आज का टॉपिक टाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम है बट जैसे आप लोग कह रहे हो कि ग्राफ के बेसिक्स नहीं है ज्यादा क्लियर तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि ग्राफ में है क्या और हमें कैसे करना होता है उसके बाद हम वो एल्गोरिथम देखेंगे कि क्या वो एल्गोरिथम है और कैसे उसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन है तो वेट वी टॉक अबाउट सो ग्राफ इजलियर डेटा से आपको मतलब पता है जैसे पहले बताया था जो लीनियर ना हो जैसे एरे एक लीनियर होता है लिंकलिस्ट एक लीनियर है स्टैक लीनियर है क्यू लीनियर है एक के बाद एक आपके पास एक वैल्यूज है दूसरे उसमें जाने के लिए तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है बट जब हम नॉन हाइरारिकल भी बोल रहे हैं तो जैसे ट्रीज में आपने देखा था एक हायर थी एक पेरेंट है फिर एक चाइल्ड है तो एक आपने हायर देखी है बट ग्राफ ना ही लीनियर है और ना ही हायर है मैं एक मिनट एनोटेशन uh, देख रही हूँ जस्ट गिव मी अ सेकेंड Um, so I'm not getting the option for annotations. Why is it there? Can somebody tell? Can just give me a minute? Thank you. Janvi, can you try now? Um, actually, it is not showing me the option right now. Okay. Actually, I think it has been removed by, uh, by default uh, yesterday because of a few reasons. Uh, can you use whiteboard instead of doing this? Yeah. Okay. <laughs> um, so, um, abhi tak humne graph me dekha hai. array आपको लिंकलिस्ट पता है आपको क्यू पता है आपको स्टैक्स पता है, तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स है एक एक ही कॉन्टिन्यूस मेमोरी स्टोर होती है एंड आप कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे इंडेक्सेस पे जा सकते हो लिंकलिस्ट में आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट का रेफरेंस है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देन वी सॉ ट्रीज ट्रीज के अंदर आपने देखा था बाइनरी ट्रीज होते हैं बी एस होते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं कल हमने देखा था फिर इसके अलावा आपको मल्टीपल चिल्ड्रन वाले ट्रीज भी हो सकते हैं तो जेनेरिक ट्रीज भी हो सकते हैं सो दिस वाज अ अरिकल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर दिस वाज लीनियर दिस वाज नॉन लीनियर व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड अ कॉल्डी हियर बिकॉज यहाँ पे एक पेरेंट है देन चाइल्ड रिलेशनशिप है देन फर्दर चाइल्ड रिलेशनशिप्स है in general we can have multiple children so this this you saw in 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 the hierarchical data structure category but now we'll be dealing with something which is a non linear and non hierarchical non hierarchical se kya matlab hai ki na linearity hai na hi koi hierarchy hai ki इसके बाद यही आएगा ये बड़ा है ये छोटा है ना कोई ये है इसमें क्या है कि जो आपके elements हैं वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं ग्राफ के अंदर क्या है जी। समी यूर से

कि नॉन हाइरा क्या है ठीक है हायर से मतलब था एक के बाद एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नॉन हायरकी में क्या है कि कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं आपके एलिमेंट्स। जैसे एक एलिमेंट यहाँ है तो एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है, है अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है ये एक दूसरे से एक एज के थ्रू कनेक्टेड है ठीक है तो जब हमारे पास ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई हायर नहीं है जिसमें कोई लीनियरिटी नहीं है तो उसको हम ग्राफ बोल देते हैं ठीक है अब ये अब एक्चुअली में ये दो तरीके के हैं ठीक है एक होते हैं डायरेक्शनल या डायरेक्टेड ग्राफ एक होते हैं नॉन डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड ग्राफ ठीक है पहले हम ये बात करते हैं कि इनकी टर्म्स क्या है मैं आपको उसी पे वापस लेके चलती हूँ या इधर ही कर लेते हैं तो जैसे मान लो ये मैंने एक एलिमेंट बना दिया या फिर हम एक नया ग्राफ बनाते हैं सो दिस इज वन एलिमेंट जिसकी वैल्यू यहाँ पे वन पड़ी है देन वी हैव फाइव then we have six, two or three and four तो अब ये कुछ एलिमेंट्स है और ये ऐसे कनेक्ट हुए हुए है अभी मैं समझाती हूँ अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हम अभी धीरे धीरे नया टॉपिक है तो आपको पहले सिर्फ लिसन करना है उसके बाद आप देखो ठीक है तो मान लो कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं और ये ऐसे कनेक्टेड है तो जब मैं ये एक एलिमेंट बना रही हूँ तो हम इसको टर्म देंगे एक वर्टेक्स की वर्टेक्स की या फिर एक नोड की जैसे हमने ट्रीज में नोड पढ़ा था ना वैसे ही या तो हम इसे वर्टेक्स बोल सकते हैं या नोड भी बोल सकते हो यूजुअली हम ग्राफ में वर्टेक्स बोलते हैं ठीक है तो वन एक वर्टेक्स है फाइव भी एक वर्टेक्स है सिक्स भी वर्टेक्स है फोर भी वर्टेक्स है थ्री भी वर्टेक्स है टू भी वर्टेक्स है अब वन किस किस को कनेक्टेड है वन कनेक्टेड है फाइव को और वन कनेक्टेड है टू को क्योंकि इन दोनों के बीच में एक लाइन है और इस लाइन को हम बोलेंगे एज इस लाइन को हम बोलेंगे एज

क्या वन से कोई सिक्स पे, पे है क्या वन सिक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वन और सिक्स के बीच में कोई एज नहीं है ठीक है तो जिन जिन वर्ड के साथ हमारी डायरेक्टली एज होगी वो हमारे नेबर्स बन जाएंगे मैं दोबारा रिपीट करती हूँ जिन वर्टिक्स के साथ हमारी कोई डायरेक्ट एज होगी वो हमारे नेबर्स बन जाएंगे सो so के लिए नेबर कौन होगा और ठीक है क्योंकि one, से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है इस एज के थ्रू कलर चेंज कर देती हूँ वन फाइव से कनेक्टेड है इस एज के थ्रू तो वन फाइव वन का एक नेबर हो गया वन टू से कनेक्टेड है इस एज के थ्रू तो टू वन का एक नेबर हो गया ठीक है ऐसे ही फाइव के कौन कौन नेबर्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड है, है से है से है से डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड कनेक्टेड है है तो फाइव के नेबर्स कौन है वन टू एंड सिक्स ठीक है ऐसे ही सिक्स के डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स कौन है एक तो डायरेक्टली उसका फाइव से है एक उसका फोर से है तो उसके नेबर्स कौन है फाइव और फोर या हम बोल सकते हैं उसके उसके एडजेसेंट नेबर्स कौन है एडजेसेंट एडजेसेंट का मतलब होता है साइड में बगल में और हिंदी वर्ड क्या हो सकता है एडजेसेंट का uh, साथ में तो वो हाँ जी somebody was saying something i'm sorry yeah जैसे कि 5 के लाइक एजेस आर 2 के साथ तो 6 के भी तो 3 के होना के साथ होने चाहिए क्या नहीं नहीं वो मैंने ये ग्राफ बनाया है मतलब ये मेरी मर्जी थी मैंने शुरू में किसी के साथ कोई जोड़ दी किसी के साथ कोई जोड़ दी तो कोई जरूरी नहीं है कि जोड़नी ही है यहाँ पे दिस इज नॉट मैंडेटरी मैंने ये ग्राफ बनाया ऐसे कनेक्ट करा फिर मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन हो सकता है तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि यही ग्राफ बनेगा हमेशा वो हो सकता है कोई ग्राफ हो जो ऐसा हो ऐसा भी एक ग्राफ हो सकता है फिर ऐसा भी हो सकता है 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 कि ये एक ग्राफ है और इसका एक एलिमेंट यहाँ है ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो कुछ भी पैटर्न हो सकता है ये मैंने रैंडमली एक बनाया है रैंडमली एजेस जोड़ी है आपको फिर मैं बता रही हूँ कि भाई इनको वर्टेक्सिस कहते हैं ये एजेस है ये इसके नेबर्स है इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में ठीक है यस मैम समझ आया आपको ओके पीपल आर समझ नहीं आ रहा बेसिक से बता दो अनीता कैन यू प्लीज अनम्यूट सेल्फ एंड टेल मी क्या आपको समझ नहीं आया मैं बिल्कुल बेयर मिनिमम से ही बताया है वैसे अनीता कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ अनिता सिंग हाँ हेलो मैम मैम आई हैव अ डाउट हियर या मैम क्या दोनों मतलब एजेस एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं क्या मतलब क्रॉस का एग्जांपल दो जैसे ऐसे अ वन थ्री ऐसे हाँ हाँ राइट 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 हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं कर सकते ओके पहले मैं को ये बताओ कि अ uh, Some people are saying समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लीज बताइए क्या नहीं आया हाँ जी फिर दर दर है? ग्राफ लीनियर होते ही नहीं है मैंने आपको सबसे पहले बोला कि ग्राफ ना ही लीनियर है मतलब ग्राफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है नॉन लीनियर का मतलब लीनियर नहीं है है ना और ना ही ये हायरिकल है तो ये यहाँ पे नॉन है कि मतलब ना कोई हायरारकी है ना कोई पेरेंट है ना कोई चाइल्ड है ना उसके आगे उसके फर्दर चिल्ड्रेन है वो सब नहीं है ना ना लिनियारिटी है कि एक के बाद एक आएंगे जैसे एरे में होता है यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे जो एलिमेंट्स यहाँ पे एक के बाद एक इंडेक्स पे पड़े होते थे और जो एलिमेंट्स यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होते थे वो अब यहाँ कहीं भी प्रेजेंट है कहीं भी हो सकते हैं और वो एक दूसरे से एजेस के थ्रू कनेक्टेड है और हो सकता है वो कनेक्टेड ना भी हो ठीक है मतलब कैसे भी connect कर सकते हैं उसे है ना नहीं मतलब वो आपको क्वेश्चन में मिला होगा कि ये ऐसे कनेक्टेड है ये ग्राफ बना हुआ है okay. वो मतलब आ, 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 आपको कनेक्ट नहीं करना होगा खुद से आपको मिला होगा कि भाई ठीक है ये ग्राफ है हुँ. ये हमने आपको ग्राफ दे दिया आप मुझे इनमें से बता दो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है

जी मैम यस ये ये पता करने की बात है कि एक के बाद एक दूसरे पे मतलब आप ट्रैवल कैसे करोगे तो वो हम अभी आगे देखेंगे अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही कि ग्राफ होता क्या है उसके बाद आपको इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन पता लगेगी एक मैम और एक बार रिपीट करते हैं ये वर्टेक्स और एज हाँ, और क्या नाम नेवर्स ने ने बस, बस एक बार रिपीट कर लेंगे हाँ जी कोई बात नहीं मैं कर देती देखो हमें जल्दी नहीं है कि आपका टॉपिक खत्म होना चाहिए प्रायोरिटी ये है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए यू आर राइट मैम तो टाइम चाहे आप ज्यादा ले लो बट जो हम कर रहे हैं वो आना चाहिए इसलिए आई एम मोर देन हैप्पी टू रिपीट जस्ट गिव मी अ मिनट हाँ जी तो हमने मैंने आपको बोला कि ग्राफ होता क्या है हमने देखा कि ग्राफ एक नॉन लीनियर सॉरी गलत है मेरा मिनट में बना उसके बाद बोलते जी तो अभी तक आपने एरे देख लिया आपने क्यू देख लिया आपने स्टैक देख लिया आपने लिंक लिस्ट देख लिया फिर आपने देखा ट्रीज एरे में क्या होता था एक के बाद एक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते थे क्यू में भी ऐसे ही स्टैक में भी ऐसे ही लिंक लिस्ट में आपके पास एक के बाद दूसरे का रेफरेंस पड़ा है दूसरे के बाद उसका रेफरेंस पड़ा है ठीक है अब हम देखा फिर उसके बाद हमने ट्रीज में देखा कि ट्रीज में भाई लिनियारिटी तो नहीं है लेकिन एक हर जरूर है कि एक पेरेंट है फिर उसके चिल्ड्रन है फिर उनके चिल्ड्रन है तो एक हाइराकी है हाईरार्की का मतलब एक इंसान बड़ा उससे उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल फिर लेवल फिर लेवल एक लेवल वाइज चीजें होती है हायर का ये मतलब है ना जैसे बेसिक मतलब हायरार्की का क्या है कि कोई राजा है फिर मंत्री है फिर नीचे और वो है ऐसे ऐसे लोग हैं एक हाइराकी बनी हुई है yes, ठीक है ऐसे ट्रीज में हमने देखा था कि एक लेवल वन है जह, जहाँ पे हमारा रूट नोड है फिर लेवल टू है जहाँ पे उसके चिल्ड्रन है फिर लेवल थ्री है जह, जहाँ पे उसके फर्दर चिल्ड्रन है तो ये हो गई हाईरायर अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ की जिसके अंदर क्या है ये ना ही लीनियर है मतलब एक के बाद एक एलिमेंट्स नहीं पड़े हैं ना ही इसमें हाईरायर है कि कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो यहाँ पे सिंपल काम है सीधे एलिमेंट्स कहीं भी प्रेजेंट है कोई वो नहीं है रिलेशनशिप नहीं है इनका आपस में ठीक है मतलब ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं अब हो सकता है ये एक दूसरे से जुड़े हो या हो सकता है ये ना जुड़े हो ये एक दूसरे से जब जुड़ेंगे तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगा ठीक है वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में कैसा ग्राफ मिले जरूरी नहीं है जी ग्राफ ऐसा ही दिखेगा हमेशा जैसे ट्रीज में तो आपको फिर भी पता है कि ठीक है ऐसा फॉर्म होगा अब जितने लेफ्ट राइट चिल्ड्रन होंगे उस पर डिपेंड करेगा आपका ट्री दिखता कैसा स्ट्रक्चर पता है ट्री का अब एरे में भी क्या है आपको पता है कि भाई ऐसा दिखता होगा एरे बट वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो कितना लंबा होना चाहिए वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा बट yeah. ग्राफ में क्या है आपको कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता एलिमेंट्स कहीं भी हो सकते हैं ठीक है हम वो देखेंगे की स्टोर कैसे होते हैं मेमोरी में वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे अभी आप बस ये समझो कि जो ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर होता है नॉन हायरिकल होता है इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कहीं भी रैंडमली पड़े होते हैं अब हम बात करते हैं वर्टेक्स किसे कहते हैं एज किसे कहते हैं मुझे पहले बताओ इतना समझ आया सबको नॉन हायरिकल नॉन लीनियर का मतलब समझ आया एनी वन हैविंग एनी डाउट अनिता एंड पीपल हु

ना किसी सीक्वेंस में मतलब रैंडमली तो जो ये एलिमेंट्स हैं ये कहीं भी रैंडमली पड़े हुए हैं ठीक है, है? Okay. इसका समझ आ गया और बताओ और क्या नहीं आया आ गया आगे बढ़े यस मैम इफ मैम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हायरकी सो ट्री इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर राइट हां जी बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिक ट्री इट वाज हायरार्कियल

ऐसे कुछ हो सकता है लाइक like, अभी एक uh, चाइल्ड ने उसका पेरेंट का कुछ डाटा स्टोर कर ले रेफरेंस स्टोर कर ले तो वो साइक्लिक बन सकता है क्या ऐसे कुछ हो सकता है yeah, like, लाइक मतलब वो ग्राफ तो आप, बन जाएगा ना वो तो आप खुद बनाना चाहो तो बना लो मतलब three, वो तो एक बेसिकली जस्ट लाइक like वो ग्राफ बन जाएगा ना राइट हां बट ऐसी कोई टर्म है क्या साइक्लिक तरीके अभी नो 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 मैम आई डोंट नो अबाउट दैट या हो सकता है वैसे नीचे आप मतलब मैंने एक क्वेश्चन वो करा है नीचे ना सारे जो चिल्ड्रेन है उनमें डबली लिंक बना दो राइट वही मैम तो मतलब वो से कोई रिलेशनशिप नहीं जैसे ये चाइल्ड है और ये चिल्ड्रेन है ऐसे अब मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दो डबली लिंक लिस्ट ये एक क्वेश्चन देखा है बट इसके अलावा ऐसे कुछ नहीं देखा कि यहाँ पे साइकिल जुड़ रहा है बट ठीक है चलो गॉट ऐसे जुड़ेगा तो ये आई थिंक ग्राफ बन जाएगा ग्राफ तो देखो आप ट्री को भी ग्राफ कह सकते हो यस राइट कह तो आप ट्री को भी ग्राफ से कह सकते हो पर ग्राफ को ट्री नहीं कह सकते राइट right, यस yes. yes. तो वो चीज है ठीक है अभी हम एकदम वो देख लेते हैं कि कुछ बेसिक्स बेसिक्स कवर कर लें ये तो थोड़ा वो हो गया कि एक्स्ट्रा हम देख रहे हैं ठीक है yes, तो तो मैम नॉन हायर का मतलब यही एक सेकेंड नॉन हाँ हायर जी हाँ जी हाँ जी नॉन हायर का मतलब क्या वो यस मैम आई एम टॉकिंग मुझे ये पता ये जानना है कि नॉन हायर तो मतलब क्या होता है बेसिकली नॉन का मतलब है कि कोई प्रेजेंट नहीं है, जैसे हम ये बोलते थे यहाँ लेवल ये, ये वन बन जाता था इसके नीचे आएंगे हमने जैसे लेवल ऑर्डर रिवर्सल कल करा है कल देखा था आपने लेवल ऑर्डर मैम yes, तो उसमें yes, आपने देखा है ना हम लाइन बाय लाइन लेवल बाय लेवल प्रिंट करते हैं अपने वो तो वो वहां पे एक है की ये लेवल जीरो है फिर ये लेवल वन है ये लेवल टू है ऐसे ही और चिल्ड्रन बन गए तो लेवल थ्री बन जाएगा समझ रहे हो? यहाँ पे क्या हाइकी है जब एलिमेंट्स रैंडमली प्रेजेंट है यहाँ हायरा कैसे निकालोगे यहाँ कौन सा लेवल और कौन सा जीरो कौन सा वन समझ रहे हो yes, तो वो चीज है वहां पे मतलब है नॉन हायरा का ओके यस मैम ओके तो हम अभी बात कर रहे थे कि आपने ये देख लिया ग्राफ नॉन लीनियर होता है नॉन हाइरकल होता है ठीक है हमें समझ आ गया इतना आगे बोलो तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने अपने ट्रीज में देखा था भाई ये नोड होती थी सबसे ऊपर रूट नोड होता था फिर आगे चिल्ड्रेन नोड्स बोलते थे नोड बोलते थे ना हम उसमें नोड नाम नोड क्लास से बनाते थे नोड नाम से क्लास बनाते थे उसमें हम डेटा रखते थे लेफ्ट रखते थे राइट रखते थे यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हम उस एलिमेंट को वर्टेक्स बोलेंगे ठीक है वर्टेक्स बोलेंगे क्या बोलेंगे वर्टेक्स ऐसे हमारे पास जितने मर्जी वर्टसेस हैं, जो एलिमेंट्स हम बोल रहे थे अभी तक जैसे एरे में हर जगह हम उसे एलिमेंट बोलते हैं यहाँ पे आप नोड बोलते हो ट्री में ग्राफ में आप उसे वर्टेक्स बोलोगे ठीक है अब वर्टिसेस आपकी कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है रैंडमली कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है दो वर्टिसेस जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो उन कने उस कनेक्शन को हम बोलेंगे एज वन भी एक वर्टिक्स है फाइव भी एक वर्टिक्स है सिक्स भी वर्टिक्स है फोर भी वर्टिक्स है थ्री भी है टू भी है ठीक है जो भी एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट है वो हमारे वर्टिसेस के लाएंगी अब दो वर्टिसेस जब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी तो उस कनेक्शन वाली लाइन को या उस कनेक्शन को हम एक एज बोलेंगे ठीक है क्या बोलेंगे एज बोलेंगे दो वर्टिसेस के बीच में जो कनेक्शन होगा उसको हम एक एज बोलेंगे अब क्या हो सकता है ये कन... अब मैं एक बार एग्जाम्पल भी दे देती हूँ तो वन और फाइव के बीच में एज है फाइव और सिक्स के बीच में एज है सिक्स और फोर के बीच में है सिमिलरली फोर और थ्री के बीच में है ऐसे ही थ्री और टू के बीच में एज है टू और वन के बीच में एज है एंड टू एंड फाइव के बीच में एज है अब मुझे वर्टेक्स और एज में बताओ किसी को डाउट हो हम धीरे धीरे करके चलते हैं ताकि कोई बच्चा वो रहे ना एनीवन हैविंग एनी डाउट इन वर्टेक्स एंड एज जो अभी तक हमने करा प्लीज अभी बता दो आप अनिता को आ गया बस ठीक है फिर सबको आ गया होगा चलो आगे चलते हैं ठीक है तो अब हमने क्या करना है हमने ये देख लिया कि ठीक है वन और फाइव के बीच में एज तो है बट क्या फाइव और वन के बीच में भी एज है वन और फाइव के बीच में एज तो है बट क्या वन और फाइव के बीच में भी एज है हाँ जी वन और फाइव के बीच में एज है और फाइव और वन के बीच में भी एज है क्योंकि ये एज डायरेक्टेड नहीं है मतलब एक मैंने एरो नहीं बनाया हुआ अगर मैं ये कर देती एक बार मैं करती हूँ अगर मैं ऐसे कर देती तो मतलब सिर्फ वन और फाइव के बीच में एज है पर मैंने क्या करा हुआ है मैंने सिंगल लाइन बनाई है विदाउट एनी एरो मतलब है कि वन और फाइव के बीच में भी है और फाइव और वन के बीच में भी है ठीक है तो जो ग्राफ में जिस ग्राफ में ये डायरेक्शन नहीं है कि कौन सी स्पेसिफिक डायरेक्शन में है तो अब हम उसे बोल देंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ जिस ग्राफ में कोई ऐसे एरो नहीं बने हुए कोई ऐसे एरो नहीं है वो हमारा हो जाएगा अनडायरेक्टेड ग्राफ ग्राफ होते हैं जी दो तरीके के एक होता है डायरेक्टेड एक होता है अनडायरेक्टेड अनडायरेक्टेड कौन सा होगा जिसमें ये बिना किसी डायरेक्शन के एजेस बनी होंगी बिना किसी डायरेक्शन के एजेस बनी होंगी वो हमारा होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें हमारी डायरेक्शन होगी जैसे मान लो मैं कहूँ जी ये है डायरेक्शन ये है डायरेक्शन इस एज की ये डायरेक्शन इस एज की है ये डायरेक्शन इस एज की है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि से वन की तरफ एरो जा रहे है ना तो फाइव से वन की तरफ एक एज है ना कि वन की फाइव की, की तरफ एक है ठीक है जिस तरफ को एरो उस तरफ को आपका कनेक्शन तो फाइव और वन के बीच में एक है फाइव और सिक्स के बीच में एक है, थ्री और फोर के बीच में है, थ्री और टू के बीच में है, टू और फाइव के बीच में है, टू और वन के बीच में है। आप ऐसे यहाँ पे एक बना लो तो सिक्स और फोर के बीच में है। तो ये वाला ग्राफ जिसके अंदर डायरेक्शन प्रेजेंट है ये वाला हो गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ ये वाला हो गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ जहाँ पे डायरेक्शन प्रेजेंट है जब हमारी ये डायरेक्शन कोई भी नहीं होती आपकी स्ट्रेट लाइन है that implies कि देर इज अज फ्रॉम देर इज एन एज फ्रॉम फाइव टू सिक्स टू फोर फोर टू थ्री थ्री टू 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 वन एंड फाइव टू वन भी एक है, to भी एक है, भी एज है जो कि पहले 5 to 6 थी वो 6 to 5 भी है जो पहले सिक्स टू फोर थी अब वो फोर टू सिक्स भी है क्योंकि कोई direction नहीं है जो पहले फोर टू थ्री थी वो थ्री टू फोर भी है क्योंकि कोई direction नहीं है थ्री टू टू एक है और टू टू थ्री भी एक है ऐसे टू टू फाइव एक है हैजाइव टू टू भी एक है सिमिलरली टू टू वन एक है एंड वन टू टू भी एक है तो अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड का समझ आया सबको यस yes, मैम yeah. दोनों मिक्स रहेगा तो मतलब दोनों and... दोनों वैसे यूजुअली मिक्स होता नहीं है बट मिक्स कर लो तो फिर उसको कोई नाम नहीं दे सकते फिर आप उसको बोलो डायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड दोनों है भाई बट यूजुअली सेपरेट ही रखते हैं वो यूजुअली oh. आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें वो अलग-अलग ही होगा बट ऐसे जरूरी नहीं है कि हो ही नहीं सकता ओके oh. हाँ जी somebody was asking something i think Uh, कोई पूछ रहा है कैन वन एज हैव टू डायरेक्शन साइमल्टेनियसली अगर ऐसा हो गया सर तो फिर मतलब तो ये इसके इक्वलेंट ही है ना एक सिंगल लाइन भी यही रिप्रेजेंट कर रही है कि दोनों की तरफ एक एज है महेश महवीश आई थिंक आफरीन सो सॉरी आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम बट आई एम एबल टू मेक सेंस अगर हम बोलें कि दोनों की तरफ एक डायरेक्शन है तो तो दिस इज इक्वल एंड टू दिस ओनली क्योंकि इसका भी मतलब यही है कि वन की तरफ भी एक एज है टू से और टू की तरफ भी एक एज है एनी वन एल्स सम राना यू हैव रिटन वन क्वेश्चन कैन यू आस्क योर क्वेश्चन I have asked that question only. Okay. 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 Yeah, I mean... so yeah uh, anyone else ठीक yes. है तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा अब एक बार मैं नोट्स की तरफ चलती हूँ अपने ताकि हम कोई पॉइंट मिस ना कर दें तो हमने डायरेक्टेड ग्राफ देख लिया जहाँ पे डायरेक्शन प्रेजेंट है जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख रही होगी यहाँ पे मैं पेन नहीं यूज कर पाऊंगी क्योंकि एनोटेशन अलाउड नहीं है तो प्लीज बियर विद मी सो So, this is a direction. We have a directed graph here where we have a direction from 5 to 2. So, there is an edge. So, there is an edge from 5 to 2. Then we have an edge from 5 to 0 because direction is here Then we have an edge from 5, 4 to 0 because direction is here Then from 4 to 1 because direction is towards 1. Then we have 1 to 3 because... डायरेक्शन इज टू वर्ड एन एज फ्राम टू टू थ्री फ्री ना कि three to two, क्योंकि डायरेक्शन ये है, तो ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ हमने देख लिया उसके बाद मेरा नेबर्स बताना रह गया आपको की नेबर्स क्या होते हैं तो आप ये देखो कि जैसे हमने ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ कह लो आप इसमें तो इसमें क्या है कि जो हमारा ये है वन है ये जिससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा मतलब जिससे भी इसके लिए इसके पास एक एज होगी जिस वर्टेक्स तक वो उसका एडजेंट नेबर होगा ठीक है तो मतलब वन का एडजेंट नेबर है फाइव वन का एडजेंट नेबर टू भी है ऐसे ही टू का एडजेंट नेबर है वन टू का एडजेंट नेबर है फाइव तो और टू का एडजेंट नेबर है थ्री ठीक है और थ्री का एडजेंट नेबर कौन है मुझे कौन बताएगा अम्म मुझे बताएंगे अमित अमित कुमार विल टेल मी एंड वेरी गुड टू एंड फोर ये आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि ये आप क्यों कह रहे हो होने इस नोट से ये कनेक्टेड है गुड सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है ऐसे ही फोर कैट जैसे नेबर है सिक्स और थ्री सिक्स कैट जैसे नेबर है फाइव और फोर फाइव कैट जैसे नेबर है वन टू और सिक्स क्योंकि उन तीनों से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ठीक है अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ में नेबर्स देखें जहां पर डायरेक्शन है अगर उसमें देखें तो नेबर कौन कौन होगा इसका फाइव का नेबर कौन है टू और जीरो जीरो का नेबर कौन है कोई भी नहीं है एड नेबर उसका भी। कोई भी नहीं है क्योंकि वो किसी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है फोर के एडजेसेंट नेबर है जीरो और वन वन के एडजेसेंट नेबर सिर्फ थ्री है क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है डायरेक्टली टू उसके है वन का फोर के साथ कोई नेबर वाला रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि वन उसकी तरफ नहीं जा रहा फोर उसकी तरफ आ रहा है ठीक है ऐसे ही थ्री का किसी के साथ कोई नेबर डायरेक्टेड ग्राफ में भी देख लिया ठीक है अब हम बात करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ भी आपने देख लिया कि वॉट आर अन सो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स भी देख लिया जहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो हमारे अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गए यहाँ पे जो आप जीरो वन टू थ्री फोर देख पा रहे हो ये हमारी वर्टसेज हैं जीरो से लेकर वन तक एक एज है ऐसी से जीरो से भी एक एज है सिमिलरली फॉर ऑल अदर वर्टसेज ठीक है तो यहां तक किसी को कोई डाउट है undirected directed ये वो vertex vertex vertices edges neighbors इसमें किसी को डाउट है फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं क्योंकि ठीक है नो मैम ओके सो अब हम देखेंगे कि um अब, अब, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हमें आज डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम कराना था बट आप लोगों को बेसिक्स का वो है तो आप लोगों ने ये एडजेंसी मैट्रिक्स एडजेंसी लिस्ट ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन ये करा है मैम सिर्फ सुना है पता yes, नहीं सर यस ये जो यस yes कह रहे हैं और जो नो no कह रहे हैं वो मतलब क्या ऐसे क्यों हो रहा है तो आप लोग डिफरेंट बैचेस से हो क्या नो मैम एक्चुअली

ठीक है सो so, um, इसके बाद आपको एक्चुअली um, मतलब एक बार मैंने ये शुरू कर लिया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं कर लेते हैं ये अभी अम um, तो जब हम बात करते हैं अभी हम देख रहे हैं कि ये तो आपने देख लिया कि ये जो हमने ग्राफ ऐसे बनाए हुए आपको मेरा कर्सर दिखता है कि मैं कहाँ पे रिवॉल्व कर रही हूँ अपना कर्सर यस मैम यस yes, मैम yes, जैसे yes, अभी मैं ग्राफ के ऊपर हूँ तो कर्सर दिख रहा है आप लोगों को यस यस मैम मैम दिख ठीक है ठीक है. है. है तो अभी जैसे हमने ये ग्राफ देखा है यहाँ पे तो दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ ठीक है मतलब आपने जब इसको समझना है तो आप इसको ऐसे बना के समझ रहे हो जैसे आपने ट्रीज में देखा था आप ट्री में क्या करते थे ट्री में आप ऐसे ट्री बनाते थे जब आपको पता है कि ये इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड है मेमोरी में तो वो ऐसे प्रेजेंट नहीं है ना मेमोरी में क्या हुआ हुआ है एक नोड बनी हुई है और उस नोड पे उस नोड पे एक मतलब नोड कर, नोड का नाम से एक क्लास क्लास बनी हुई है उस उस क्लास को यूज करके हम हर बार नोड बनाते हैं जिसमें हमारे पास डेटा है लेफ्ट है और राइट है ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नोड्स स्टोर्ड है मेमोरी में, में, में जिसके पास उसका डेटा लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड के रेफरेंसेज है. है ना मेमोरी में, में कहीं ऐसे ग्राफ ट्री तो नहीं बना होता ना मेमोरी में कहीं पे ऐसे ट्री तो नहीं बना होता मेमोरी में तो नोड्स स्टोर हुई होती हैं ये समझते हो आप लोग यस यस मैम ये आपको पता है कि ये तो हमारा सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए है जो हम ऐसे ड्री yes, बनाते हैं ये हम बनाते हैं कि ठीक है हमें पता है ये पेरेंट है इसका लेफ्ट यहाँ पे लिख देते हैं राइट right यहाँ लिख देते हैं समझने परपज के लिए इजी हो जाता है विजुअलाइज करना पर मेमोरी में तो ऐसे प्रेजेंटेड डेटा लेफ्ट रेफरेंस राइट रेफरेंस तो ग्राफ भी ऐसे ही है ग्राफ में क्या है कि ये जो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया है ये एक इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए है अब हम देखेंगे कि इसे मेमरी में स्टोर कैसे करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन इन कोड कैसे है इसको हमने कोड में कैसे लिखना है और कोड में कैसे लिखेंगे जैसे हमें उसे मेमोरी में स्टोर करवाना है ना तो तो अब हम वो देखेंगे ये जो हमने ग्राफ ऐसे बनाया है असली असली में मेमोरी में, में तो ऐसे नहीं बनता ना ही हम कोड में ऐसे ग्राफ बना सकते हैं कोड में तो हमें किसी किसी तरह स्टोर करना पड़ेगा ना तो उसके लिए आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन की ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करना है भाई कोड में और उसे मेमोरी में, में कैसे डालना है तो अब हम उसकी बात करेंगे ठीक है उसके दो तरीके हैं हमारे पास एक है एडजस्टेंसी मेट्रिक्स बोलते हैं एक को एक को बोलते हैं एडजेंसी लिस्ट ठीक है क्या होता है एक हमारा है एडजेंसी मैट्रिक्स एक है हमारा yes, तो yes, आपको पता है कि ऐसा सा हम बनाते थे वहां पे वहां पे हम ऐसा मेट्रिक्स बनाते थे कुछ कुछ लिखा होता है वैल्यू स्टोर करते हैं हाँ और... हाँ जी आपने टू डी एर देखा होगा टू डी एरे करा आपने अभी तक कुछ कोई कुछ पे मतलब पता yes है आपको टू डी एरे क्या होता है तो yes उसपे क्या है कि भाई ए, एक एरे है मतलब एक एरे है और मतलब ऐसे ऐसे है कि एक एरे और हर एलिमेंट पे भी एक एरे है है ना जैसे मान लो ये हमारा मैं बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ yes जैसे मान लो ये हमारा एक एरे है ठीक है ऐसे हमने मैंने इसे वर्टिकली खड़ा करके बनाया है और अब क्या कह रही हूँ मैं कि हर एलिमेंट पे ये एक एलिमेंट है इस पे भी एक एरे है ये एक एलिमेंट है इस पे भी एक एरे है इस पे भी एक एरे है इस पे भी एक एरे तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा आपको एक टू डी एरे बन जाएगा है ना उसको हम मेट्रिक्स बोल देते हैं इसमें ठीक है टू डी एरे को हम यहाँ पे मेट्रिक्स बोल रहे हैं रो एंड कॉलम रो एंड कॉलम बिल्कुल रो एंड कॉलम को टू डी एरे को हम यहाँ मैट्रिक्स बोल देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम एक टू डी एरे बना रहे हैं या एक मैट्रिक्स बना रहे हैं किस साइज का उतने साइज का जितने हमारे वर्टिसेस प्रेजेंट है ग्राफ के अंदर ठीक है अब हमारा कितने यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं एक दो तीन चार Five और vertices. पांच पांच वर्टिसेस हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो से शुरू हो रहे हैं जीरो वन टू थ्री फोर तो हमारे जीरो है क्योंकि और पांच एलिमेंट्स हैं तो हमें पांच साइज का एरे चाहिए पांच साइज का एरे चाहिए पांच साइज के लिए आपको फोर साइज का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि जीरो होता है तो जीरो वन टू थ्री फोर पांच हो जाएंगे ना तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा ये आप समझ रहे हो आई थिंक नहीं समझ आया यस मैम यस मैम अच्छा ओके जस्ट सेकेंड ठीक है आपने देख लिया कि भाई हमारे एलिमेंट्स पांच हैं। एरे एरे की इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है तो हमें चार लेंथ का एरे टू डी एरे चाहिए ठीक है तो हम अब क्या करेंगे हमने टू डी एरे बनाया फोर का क्रॉस का इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पांच एलिमेंट्स थे फोर क्रॉस फोर फाइव क्रॉस फाइव का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इंडेक्सिंग एरे की जीरो से शुरू होती है फाइव क्रॉस फाइव बनाते तो वो छह एलिमेंट्स का बन जाता जीरो वन टू थ्री फोर फाइव हमें फाइव का चाहिए था इसलिए हमने फोर तक का बनाया और जीरो वन टू थ्री फोर हमने पांच एलिमेंट्स ले लिए फोर क्रॉस फोर का मैट्रिक्स बना लिया हमने टू डी एरे बना लिया अब हम क्या करेंगे कि भाई जिन दो वर्टिस वर्टिसेस के बीच में एक एज है हम क्या करेंगे जिन दो वर्टिसेस के बीच में एक एज है उनके वहां पे उनकी पोजीशन पे आप वन लिख दो तो। जैसे क्या वन और वन के बीच जीरो और जीरो के बीच में कोई एज है जीरो वर्टेक्स और जीरो वर्टेक्स के बीच में कोई एज है नो no, मैम मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जो जो ऊपर आप ये ये देख रहे हो कॉलम में लिखा हुआ है जीरो फोर ये मेरा कर्सर दिख रहा होगा ये भी हमारे वर्टसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारी वर्टसेज हैं ग्राफ में और ये भी हमारे वर्टसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो रो के आगे लिखा हुआ है मैंने जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है ये भी हमारे वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऊपर वाला भी हमारे वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है अब हम इनके बीच में जो वैल्यू लिखेंगे वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि क्या इनके बीच में एक एज है या नहीं मतलब क्या ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से या नहीं तो आप मुझे बताओ क्या जीरो जीरो से जुड़ा हुआ है no, जीरो और जीरो तो किसी जीरो खुद से कैसे जुड़ेगा है ना तो हम जीरो लिख दिया हमने यहाँ पे जीरो का मतलब भाई इनके बीच में कोई एज नहीं है ठीक है अब क्या जीरो और वन कनेक्टेड है एक दूसरे से जीरो और वन जीरो और वन क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है हाँ जी जीरो yes. और वन yes. के बीच में एक एज है तो हमने यहाँ वन लिख दिया हमने यहाँ वन लिख दिया अब मैं कहा वन बोल रही हूँ वो दिख रहा है ना आपको मतलब मैं ही रहा हूँ और पता ना लग रहा हो दिख रहा है ठीक है ठीक है ओके तो मतलब जीरो और वन के बीच में एक एज है इसलिए हमने यहाँ पे वन लिख दिया अब क्या जीरो और टू के बीच में एक एज है नो no, मैम नहीं है तो हमने जीरो no, लिख दिया क्या जीरो और थ्री के बीच में एज है नो no, no, यहाँ पे three. हमें दिख रहा है भाई जीरो no, तो सिर्फ वन no. और फोर से कनेक्टेड है huh. हमें दिख रहा है जीरो तो सिर्फ वन से कनेक्टेड है और फोर से कनेक्टेड है भाई वन huh. और फोर के नीचे वन लिख दो बाकी सब जीरो ठीक है yes, हम ट्रू फॉल्स ही सेट करते जाएंगे ट्रू फॉल्स की ट्रू फॉल्स कर लो उसके लिए आपको बुलियन एरे बनाना पड़ेगा 0 1 कर लो वो भी एक ही बात है मतलब कोई फर्क नहीं है ठीक है एक ही चीज है जाएंगे. हाँ जी अब अगला काम क्या आपका? One है आपका किस वन देखते हैं किस-किस से कनेक्टेड है वन एक तो कनेक्टेड है जीरो, जीरो से वो, एक वन कनेक्टेड है फोर से एक कनेक्टेड है 3 से और एक कनेक्टेड है 2 से मतलब चार चारों से कनेक्टेड है जो बचे हुए चार है बस खुद से कनेक्टेड तो नहीं हो सकता कोई एलिमेंट खुद से कैसे कनेक्टेड होगा कोई वर्टेक्स ठीक है तो वन जीरो से कनेक्टेड है इसलिए हमने जीरो लिख दिया वन टू से कनेक्टेड है इसलिए हमने यहाँ वन लिख दिया वन थ्री से भी कनेक्टेड है इसलिए हमने यहाँ भी वन लिख दिया वन फोर से कनेक्टेड है इसलिए हमने यहाँ भी वन लिख दिया ठीक है समझ आया यस मैम यस मैम यस एक सेकंड दे दो मेरे को अनीता आप किसके लिए नो बोल रहे हो मुझे एक बार बताओगे आपकी नहीं समझ आया आई एम सॉरी गाइस बट वी हैव टू सी दैट एवरीवन अंडरस्टैंड सो आई जस्ट हैव टू गिव टाइम टू हर आल्सो समझ आ गया ओके मैम। okay, आ गया उनको भी समझ ठीक है तो आ, uh, ये हमने देख लिया भाई जीरो किससे कनेक्टेड है वन किससे कनेक्टेड है नाउ लेट्स कम टू टू लेट्स सी टू किसे कनेक्टेड है मुझे कौन बताएगा मुझे एक सेकंड दो मैं खुद पूछती हूँ किसी से ताकि मेरे को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ लोगों को आ रहा है समझ uh, यार उसमें चैट में मत लिखना ठीक है दीपाली एक बार आप बताओ कि टू किस किस से कनेक्टेड है और कहाँ कहाँ पे क्या आना चाहिए हालांकि उसमें एरे में दिख रहा है बट स्टिल दिपाली गाइस यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास आप लोग ऑन करके चले जाते हो क्या नो no, मैम चलो फिर छोड़ो जिसको नहीं बोलना तो कोई बात नहीं अम हां अनीता आप बोलो आपको बोलना है आप अनम्यूट कर पा रहे हो तो बोलो बट गाइज प्लीज बी क्विक हम भी नहीं कर सकते टाइम कोई भी बता दो चलो थ्री से कनेक्टेड है हमने यहाँ देखा कि भाई वन एंड थ्री से कनेक्टेड है हमें वन एंड थ्री के नीचे वन लिखना पड़ेगा टू की रो में ठीक थीज़ है तो हमने जीरो के नीचे भी जीरो लिख दिया वन के नीचे अब वन लिखेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है अब क्या टू टू से कनेक्टेड हो सकता है नहीं हो सकता जीरो लिख दिया टू थ्री से कनेक्टेड है जी हमने वन लिख दिया और जीरो से कनेक्टेड नहीं था इसलिए हमने जीरो लिख दिया अब आई थ्री की बारी थ्री किस किससे कनेक्टेड है मैं थोड़ा क्विक करती हूँ थ्री कनेक्टेड है टू से थ्री कनेक्टेड है वन से थ्री कनेक्टेड है फोर से किससे कनेक्टेड है टू वन और फोर हम क्या करेंगे वन टू और फोर के नीचे वन वन लिख देंगे तो थ्री के सामने जीरो कुछ नहीं था हमने जीरो लिख दिया थ्री वन से कनेक्टेड है हमने वन लिख दिया थ्री टू से कनेक्टेड है हमने वन लिख दिया थ्री थ्री से कनेक्टेड हो नहीं सकता थ्री फोर से कनेक्टेड हां जी था हमने वन लिख दिया अब आई फोर की बारी फोर किस किस से कनेक्टेड है जीरो वन और थ्री से जीरो वन और थ्री से तो हम क्या करेंगे इनके नीचे वन वन लिख देंगे फोर जीरो से कनेक्टेड है हाँ जी हमने वन लिख दिया फोर वन से कनेक्टेड है हमने वन लिख दिया फोर टू से कनेक्टेड नहीं है हमने जीरो लिख दिया फोर थ्री से कनेक्टेड था हमने वन लिख दिया फोर फोर four से कनेक्टेड हो नहीं सकता तो हमने जीरो लिख दिया अब आप एक ऑब्जर्व करो कि हमारा जो ये डायग्नल है वहां पे जीरो 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 पड़े हैं क्योंकि लोग खुद खुद से कनेक्टेड तो नहीं हो सकते ना जीरो जीरो से नहीं हो सकता वन वन से नहीं हो सकता टू टू से नहीं हो सकता थ्री थ्री से नहीं हो सकता फोर फोर से नहीं हो सकता तो अब क्या हुआ कि जो एरे हम यहाँ पिक्चर में ड्रॉ कर रहे थे अब हम उसे एक एरे में एक मतलब एक स्टोर एक एक मेमोरी में कैसे स्टोर करना है वो भी सीख गए या कोड में कैसे लिखना है वो भी सीख गए है ना हमें ये पता लग गया कि भाई हम इसे मेमोरी में स्टोर कैसे करेंगे अब अगर हमें ये ग्राफ मिल जाए सॉरी अब अगर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाए जो ये मैंने ये वाला मैट्रिक्स बनाया है अगर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाए तो हम इसे देख के ये ग्राफ बना सकते हैं हम इसे देख के ये ग्राफ बना सकते हैं हम क्या करेंगे ठीक है हमें पता है 0, 1, 2, 3, 4 हैं हम रैंडमली कहीं भी चार जगह लिख लेंगे फिर क्या करेंगे फिर हम कहेंगे ठीक है भाई जीरो और वन को जोड़ दो क्योंकि उनके बीच में एज है जीरो और फोर को जोड़ दो क्योंकि उनके बीच में एज है ऐसे ही वन और जीरो को जोड़ दो वो तो पहले ही जुड़ गया इससे तो मतलब आप इसको देख ये बना पाओगे आप समझ रहे हो तो आपकी जो अभी तक विजुअलाइजेशन थी आप उसे कोड का रूप दे पाए आप उसे मेमोरी में कैसे स्टोर करना है वो कर पाए समझ रहे हो आप ये जी ठीक है ये चीज समझ आ गई आपको कि भाई इस इससे हमें से एक कोड का रूप दे सकते हैं हमें से एक यथार्थ रूप दे सकते हैं असली में ये विजुअलाइज ना होकर असली में रियलिटी में ये मेमोरी में कैसे स्टोर होना चाहिए हमें वो पता लग गया बट अब आप इसका डिसएडवांटेज सोचो कि क्या होगा मुझे आप लोग दो मिनट लो और सोचो कि भाई ऐसे स्टोर करने का डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है है हमारे पास इसके लिए कोई बेटर वे मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ क्योंकि मैं साथ जो साइड में लिखा हुआ है वो दिखाना नहीं चाहती तो इसलिए अब आप मुझे बताओ क्या क्या इसका कोई वो है डिसएडवांटेज है इस, इस तरह, तरीके से स्टोर करने का आप लोग दो मिनट सोचो और फिर बताओ आई जस्ट कम बैक आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड चार्ज माई फोन आप दो मिनट सोचो इज एनी क्या हम जी हांजी जी हाँ जी प्लीज हाँ मैम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अगर ग्राफ नहीं मिलता तो उसमें ज्यादा मतलब uh, ज्यादा स्पेस लेंगे यहाँ पे मतलब मेमोरी अगर लार्ज कैसे कैसे कह रहे हो आप ये uh, मतलब जहाँ पे ग्राफ से ग्राफ uh, से अगर uh, अगर कोई नंबर अगर हम कंटेन uh, नहीं कर सकते तो वहाँ पे मेमोरी uh, ज्यादा लेंगे यहाँ पे मतलब ज्यादा uh, लिया जाएगा यहाँ पे अगर इस मेथड से हम करें तो मैं आपकी बात समझ गई कि भाई इसमें मेमोरी ज्यादा लगेगी पर आप ये क्यों कह रहे हो मैं ये पूछ रही हूँ हम्म hmm. मैम एक डिसएडवांटेज ये दिख रहा है इसका कि मेमोरी में इसको अगर स्टोर करना हो देन ये लिनियर बेस में स्टोर होगा इट मीन्स कि पूरा का पूरा इतना स्पेस खाली होना चाहिए अच्छा जी ठीक है जी और अगर हम इसको एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन से करें देन वहां पे जस्ट लाइक like एक लिंक मिलेगा उसको मिलेगी और फर्स्ट नोड ही uh, uh, मतलब मेमोरी तो में कहीं भी स्टोर हो सकता है और उसका एड्रेस फर्स्ट uh, जो होगा नोड वो कैरी करेगा ठीक है हम, actually, uh, ये मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमें नहीं चाहिए वो भी हम स्टोर करते हैं लाइक जीरो जीरो से कनेक्टेड नहीं है फिर भी जीरो का वैल्यू कुछ स्टोर कर रहे हैं टू का वैल्यू भी कुछ स्टोर कर रहे हैं थ्री का वैल्यू भी कुछ स्टोर कर रहे हैं तो वो मेमोरी वो लग रहा है तो अगर हम ऐसे कुछ करें कि ये हमें ये जो कनेक्टेड नहीं है उसको हम स्टोर ना करें बिल्कुल सही ये बच्चा कौन है ओके okay. समीर आई थिंक समीर यू वर दैट यस मैम हाँ वेरी गुड यही है मतलब बाकी लोगों ने भी सही बोला कि मेमोरी ज्यादा लग रही है बट एग्जैक्ट रीजन ये है मेमोरी इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि हम उन चीजों को भी स्टोर कर रहे हैं जो कि हमें जो कि एजेस है ही नहीं जिनके बीच में अब आप ये ये बताओ यह जीरो जीरो, वाली, waste जीरो, वाली, वाली, वेस्ट वेस्ट जगह, जीरो वाली वेस्ट हो रही है जीरो टू वाली वेस्ट हो रही जगह जीरो थ्री वाली वेस्ट हो रही ऐसे ही वन और वन वाली टू और टू वाली थ्री और थ्री वाली और जो बाकी जगह जहाँ पे एजेस नहीं है वो हमारी जगह वेस्ट हो रही है हम क्यों कर रहे वेस्ट है ना और जैसे किसी ने कहा कि हमें पूरा इतना इतना फोर बाय फोर का की जगह यूज करनी पड़ेगी तो यू आर आल्सो राइट कि हमें इतनी पूरी जगह चाहिए वेयर एज हमारा काम जैसे यहाँ पे है ये तो सिर्फ दो ही एजेस हैं तो ये तो सिर्फ दो लेकर भी चल सकता था हमारी तीन वेस्ट हो गई ये ये चार है तो भाई तुम चार ले लो आपकी दो है तो आप सिर्फ दो लो है ना तो इसमें हमारा मेमोरी बहुत वेस्ट हो रही है इसलिए दिस इज नॉट अ गुड वे टू डू इट बट देयर विल बी क्वेश्चंस जो इस वे से इजीली होंगे या फिर जो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको यही एज एन इनपुट मिलेगा क्योंकि वो पूछना ही इसमें चाह रहे हैं ठीक है क्योंकि वो क्वेश्चन ही इसके स्पेसिफिक है बट यूजुअली दिस इज नॉट अ गुड वे टू रिप्रेजेंट या टू स्टोर टू कंस्ट्रक्ट योर एरे बट देयर कैन बी सम्चन्स जहां पे आपको इसे यूज करना पड़े ठीक है जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग कि वहां कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जहां ये यूज करना पड़े पर ये एक बेटर या ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है ठीक है अब हम आते हैं एडजेसेंसी लिस्ट पे विच इज अ बेटर ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग योर स्टोरिंग योर ग्राफ और रिप्रेजेंटिंग योर ग्राफ तो अब हम ये देखते हैं कि भाई एडजेसेंसी लिस्ट क्या कहती है अब आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को एरे uh, लिस्ट तो नहीं पता होगा ना आई थिंक जावा में तो एरे लिस्ट नहीं होता है आपको सिर्फ एरे पता होगा हाँ, में एरे होता है ठीक है तो आप ये समझो कि आप क्या कर रहे हो आप एक एरे में यहाँ पे दिखाती हूँ आप एक एरे बना रहे हो कितने साइज का हम सपोज करते हैं कि हम ये वाला ग्राफ ले रहे हैं और इसको हम एडजेसेंसी लिस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है मुझे ये बताओ मुझे ये साफ करने की जरूरत है आई यू गाइज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस क्लटर नो मैम ओके तो हम हाँ, आप बस इस ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करो मैं थोड़ा सा यार साफ कर देती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है फिर बच्चे बेचारे वो ना हो कि आपने इतना तो वो करा हुआ है मेस डाला हुआ है क्या समझे हम इसमें ठीक है तो बस एक मिनट दे दो क्लियर का भी ऑप्शन नहीं है या yeah. सो so, हम क्या कह रहे हैं कि आप सिर्फ इस ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करना और अब हम देखेंगे कि क्या कैसे हम इस ग्राफ को एक एडजस्टेंसी लिस्ट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है मैं पेन ले लेती हूँ तो हमें क्या करना है हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है अब आप मुझे बताओ आपके पास यहाँ पे कितनी वर्टसेज हैं सिक्स बिल्कुल सही आपके पास सिक्स वर्टसेज हैं ठीक है थीक? तो हमें क्या करना है हमें सिक्स वर्टेक्स का मतलब सिक्स लेंथ का एक एरे बनाना है सिक्स लेंथ का एरे बनाना है मतलब हमें उसमें छ वर्मेंट छे वर्ट वर्टिसेस या एलिमेंट्स रखने की जगह चाहिए तो हमें कितनी लेंथ का बनाना पड़ेगा फाइव का Five. क्योंकि हमारे पास जीरो वन टू थ्री फोर फाइव करके होता है ठीक है तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमने ऐसे स्टोर कर लिया ठीक है ठीक है अब एक्चुअली uh, मैं सिंपल रखना चाह रही थी चीजों को इसलिए uh, uh, एक काम कर लेते हैं देखें देखें। हाँ जी नहीं एक्चुअली मैं अभी खुद ही कर रही थी मैं तो वो आप उसको माइंड ना करो

मैं जिस बोल रही थी नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो सेवन है तो हमारा जो लेंथ ऑफ एरे होगा वो हमारा होगा ठीक है अब क्या होगा आपको करना क्या है आपको जितनी भी आपकी वर्टिसेस हैं उतनी लेंथ का या मतलब उतन, उतने वर्टिसेस को स्टोर करने के लिए एक एरे बनाना है ठीक है उनके आगे हम यहाँ पे ऐसे जीरो वन टू थ्री लिख देते हैं कि ये रिप्रेजेंट करेगा ये कौन से वाले वर्टेक्स के लिए बना है जगह ठीक है अब हर एलिमेंट पे मतलब जीरो के एलिमेंट पे या जीरो इंडेक्स पे वो वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जिनसे जीरो डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर जिसकी जीरो से एज है कोई जिसकी जीरो से कोई एज है या जो जीरो का एडजेसेंट नेबर है ठीक है क्या क्या हो सकता है यहाँ पे जो जीरो से जिसकी डायरेक्टली कनेक्टेड है जो जीरो से जो जीरो का एडजेंट नेबर है या फिर जो जीरो से डायरेक्टली जिनके बीच में एज है तो जीरो की डायरेक्टली एज किसके बीच में है one. 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 तो हम यहां पर लिख देंगे वन हम यहाँ पर लिख देंगे वन ठीक है अब बताओ वन किस किस से कनेक्टेड है जीवन तू. जीवन तू. जीवन तू. जीरो टू फाइव ठीक है जीरो टू फाइव तो हम क्या करेंगे वनथ इंडेक्स पे जिस एरे में हमने अपने वर्टिसेस को स्टोर करने के लिए एक एरे बनाया था उसी इंडेक्स पे जिस एलिमेंट जिस वर्टिक्स के, के इंडेक्स पे, मतलब वानत इंडेक्स पे पे मतलब वानथ हम अब एक एरे बनाएंगे जिसमें हमारे ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होंगे एरे हमें क्यों बनाना पड़ रहा है क्योंकि हम एक डब्बे में तो नहीं तीनों लिख सकते ना जीरो टू फाइव हम एक में तो नहीं स्टोर कर पाएंगे समझ रहे हो आप अगर हमें अगर हमें जीरो टू फाइव कहीं स्टोर करना है तो हमें उसके लिए कोई एरे वगैरह बनाना पड़ेगा ना एक एक बॉक्स में तो नहीं स्टोर कर पाएंगे एक में तो एक ही एक ही वेरिएबल या एक ही वर्टेक्स स्टोर कर पाएंगे एक ही एलिमेंट स्टोर कर पाएंगे तो उसके लिए हम एक एरे बनाएंगे यहाँ पे जीरो के लिए हमें एरे क्यों नहीं बनाना पड़ा क्योंकि वहां पे एक ही था तो हमने एक से ही कर दिया बट अगर वहां ज्यादा होते तो हम वहां भी एरे बना लेते यहाँ पे क्योंकि तीन है तो हम या फिर आप समझ लो यहाँ पे भी हमने एक एरे बनाया ही है वन लेंथ का क्योंकि एक ही एलिमेंट था यहाँ पे हमें तीन लेंथ का एक एरे बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तीन एलिमेंट है मतलब टू लेंथ का विच विच, विच विल है, थ्री स्पेस। जीरो, यहां पे है, क्या? है जीरो नहीं यहाँ जो ये वाला जीरो मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैम फर्स्ट में जो लिखा है वो जीरो जैसे जीरो को हम एक नोड मानते हैं राइट या वर्टेक्स है जो तो उस वर्टेक्स को भी दिखाना होता है ना हमें कि हाँ इस वर्टेक्स के अगेंस्ट ये इसकी लिस्ट है लिंक लिस्ट है मैं वही बता रही हूँ आपको यहाँ पे हमें वो इसलिए नहीं दिखाना पड़ रहा क्योंकि हम उसी इंडेक्स पे स्टोर कर रहे हैं अब मान लो मान लो यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर की जगह कोई रैंडम नंबर प्रेजेंट होते पच्चीस छब्बीस तेईस अट्ठाईस फिर हमें देखना पड़ता फिर हम यहाँ पे हमें स्टोर करना पड़ता फिर हमें कुछ वैल्यू रखनी पड़ती पर क्योंकि अभी हम सिंपल केस देख रहे हैं जिसमें जीरो ही है जीरो फोर सिक्स ही है तो हम डायरेक्टली डायरेक्ट है सो हाँ जी तो हम आ, इंडेक्स यूज कर पा रहे हैं और यूजुअली आपको इसमें ही हाँ मिलेंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स की उसमें ही मिलेंगे तो समझने के प्रस्पेक्टिव से आपको ये दिखाया गया है कि आप इसे मतलब एक एरे बनाया है और उसके हर एलिमेंट पे भी आगे एरेज हैं जो कि उसके नेबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब जीरो का नेबर है वन तो हमने जीरो इंडेक्स पे वन लिख दिया वन के नेबर कौन है जीरो टू और फाइव तो हमने वन अथ इंडेक्स पे जीरो टू फाइव का एक एरे बना दिया ठीक तो है अगर मैं जीरो नहीं होता तो हम वन से स्टार्ट करते ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हाँ आप फिर वन से कर लो अगर आपके सारे कॉन्टिन्यूसली है तो आप फिर वन टू थ्री फोर यहाँ से कर लो उसको छोड़ दी दो हाँ जी मैं समझ नहीं आई मैम बेस्ट होएगा कि रैंडमली uh, आप वर्टेक्स uh, vortex देके देन उसको स्टोर करवाए तो हाँ, नहीं तो नहीं तो मैम ऐसे भी अगर कंटिन्यूस नहीं हो तो हम मैप में स्टोर कर सकते हैं ना मैप में भी आप स्टोर कर सकते हो बट एडजेंसी लिस्ट को हम अभी इसी फॉर्म में देखते हैं उसके बाद तो आप इसको की वैल्यू पेयर में कर लो आप की रख लो पच्चीस right, वैल्यू right. में एक एरे रख लिया आपने जिसमें आप जीरो टू फाइव कर लो वही है मैम तो, right. तो वो तो वो तो आपके ऊपर है बट अभी हम मैं आपको इसमें इसको मतलब हम एरे इन एरे ही बताएंगे उसके बाद आप इसको मोर ऑप्टिमाइजेशन और वो सब लगा लो और क, और कॉम्प्लेक्स कर लो चीजों को तो वो तो हो ही जाएगा अब जैसे अगर आपको मतलब वो एक्चुअली हम मैं इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि uh, मतलब आई एम फ्रॉम जावा तो जावा में हम एडिस सॉरी जावा में हम लिस्ट इस वे में ज्यादा इजीली यूज कर पाते हैं बट आप ऐसे भी कर सकते हो इनफैक्ट इसकी तो और भी सर्च जब आपको करना होगा तो सर्चिंग भी आसान होगी बट ये सिर्फ तभी उसी केस में सही है जब आपके पास कॉन्टीन्यूस नहीं है जब आपके पास है है फिर तो आपको ज्यादा जगह वेस्ट हो है ना आपकी मैप में right, man, continuous है, तो यही सही है। अगर कॉन्टीन्यूस है फिर तो यही बेस्ट है बट अगर कॉन्टीन्यूस नहीं है इनफैक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आपके पास एक ऑर्डर में होने चाहिए ये ना हो कि uh, मतलब मतलब शुरू से होने चाहिए अगर आपके पास फोर फाइव सिक्स हो तो आपको बन एरे तो पूरा ही बनाना पड़ेगा तो ऊपर की वेस्ट हो जाएगी आपकी जगह मान लो अगर वो शुरू ही दस से हो तो पहले के दस दस जगह तो वेस्ट हो गई ना तो या फिर अगर आप चाहते हो मैं उस वे में समझा देती हूँ बट यूजुअली जब आप कहीं भी पढ़ोगे भी आरडी लिस्ट तो आपको एरे के हर एलिमेंट पे एक एरे बनी हुई रिप्रेजेंट दिखे, दिखेगी दिस इज ऑप्टिमाइजेशन दैट वी कैन डू बट इफ यू गाइस वांट मी टू टेल यू दी दिस वे मैप वाला तरीका तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट सूट्स यू डोट द बेस्ट हम मैप वाला देख लेते हैं आपको मैप देखने मैप देख लेते हैं बट यूजुअली दिस इज द वे दैट वी डू एंड आपको यूजुअली ग्राफ्स एक शुरू से ही मिलते हैं मैम इससे भी समझ नहीं आ रहा है एक ही चीज है मैम कोई दिक्कत नहीं मैं, से मैं, मैं सेम तो है मैं मैं मैप ही बना लेती हूँ मैप समझते हो आप की वैल्यू पेयर यस yes, मैम ठीक है सेम ही है मैम दोनों तो मैं हाँ जी तो यहाँ पे आपकी कीज हैं और यहाँ पे आपकी वैल्यूज हैं ठीक है अब हम क्या कह रहे हैं कीज में क्या होगा आपकी वर्टिसेस होंगी जितनी भी वर्टिसेस हैं वो की में प्रेजेंट होगी ठीक है और उनकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी कि भाई वो किस किस से कनेक्टेड है डायरेक्टली या किस कौन कौन उसका नेबर है तो हम एक बार यहाँ पे वर्टिसेस लिख लेते हैं हमारे यहाँ पे वर्टसेस है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब आप मुझे बताओ जीरो किस किस से कनेक्टेड है <गली> तो जीरो सिर्फ वन से कनेक्टेड है तो उसके वहां पे, तो पे सिर्फ वन लिखेंगे हम हम एक एरे बना देंगे वैल्यू में और एरे में वन लिखेंगे एरे हम क्यों बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं तो मल्टीपल वैल्यू को एक जगह पे तो स्टोर नहीं कर पाएंगे उसके लिए तो हमें कोई स्टोरेज वाली कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ना जिसमें हम स्टोर करें तो इसलिए हम एरे बनाएंगे हर वैल्यू पे अगर उसमें वन one... हाँ जी Somebody is saying something? No. Okay. So, हर, हर वैल्यू पे हर की के अगेंस्ट हम एक एरे बनाएंगे जिसमें हम उसके नेबर्स को स्टोर करेंगे नेबर से मेरा मतलब है जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है अब क्योंकि जीरो सिर्फ वन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उस एरे में सिर्फ वन पड़ा होगा अब हम देखते हैं वन किस किस से कनेक्टेड है वन कनेक्टेड है जीरो से वन कनेक्टेड है टू से वन कनेक्टेड है फाइव से तो हम एक एरे बना देंगे जिसके अंदर हम टू स्टोर करेंगे सॉरी पह, पहले जीरो कर लो ऑर्डर में कर लेते हैं यूजुअली तो जीरो टू और फाइव से कनेक्टेड है तो हमने एक एरे बना दिया जिसमें हमने जीरो टू फाइव डाल दिया अब हमने देखा टू किस किस से कनेक्टेड है पहले मुझे बताओ यहां तक समझ आया सबको जीरो और वन का जो है फिर हम ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे नहीं, नहीं, नहीं आया <laughs> आपने न, आपने नहीं बोला आपने नहीं नहीं बोला मुझे समझ आया जो जीरो टू फाइव कैसे, कने... कैसे कनेक्ट हो गया ये समझ नहीं आया जीरो टू तो फाइव से कनेक्टेड ही नहीं है मैंने बोला था है कि वन किस किस जी से बनाया है जीरो टू फाइव ये मतलब किस बेस पे बनाया है ये समझ नहीं आया मुझे ये जो बनाया ये जो कीज लिखी है नहीं केस में आपने वन के सामने वन की रो में आपने यहाँ पे लिखा है जीरो टू फाइव है हाँ ना जीरो टू फाइव हाँ टू फाइव हां जी हाँ ये समझ नहीं आया मुझे ठीक है आप मुझे बताओ यहाँ पे इस ग्राफ को देखकर बताओ वन किससे कनेक्टेड है टू एंड फाइव वन से जीरो की तरफ भी एक जा रही है ना हाँ 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 वन जीरो टू फाइव तो वन किससे कनेक्टेड हुआ जीरो से टू से? से और फाइव से राइट right. क्योंकि एक डंडी यहाँ पे एक एज यहाँ पे एक एज यहाँ पे और एक एज यहाँ पे है राइट करेक्ट तो जीरो से कनेक्ट हो गया टू से हो गया और फाइव से हो गया तो hmm. हमने क्या करा कि भाई जो हमारा वन वर्टेक्स है वो जीरो से कनेक्टेड है टू से है और फाइव से है ओके नाउ ठीक है हम्म hmm. हम्म ऐसे ही अब हम टू के लिए देखेंगे टू, टू किस किस से कनेक्टेड है टू कनेक्टेड है वन से फाइव से टू फाइव से और, से और, और, और थ्री से हां से फाइव से और, और थ्री हाँ से, से, से तो अब हम क्या करेंगे कि ठीक है भाई टू, आप इन तीनों से कनेक्टेड हो आपके लिए भी हम एक एरे बना देते हैं जिसमें हम इन तीनों को लिख देंगे तो हम यूजुअली ऑर्डर में लिखते हैं तो हम ऑर्डर में लिख देते हैं वन से कनेक्टेड है थ्री से कनेक्टेड है और फाइव से कनेक्टेड है ठीक है थ्री किस किस से कनेक्टेड है टू और फोर टू और फोर से तो हम टू के थ्री के अगेंस्ट भी एक एरे बना देंगे जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे two yeah. और ठीक है ये समझ आया सबको यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो ओके okay. तो फोर किस किस से कनेक्टेड है फोर एंड सिक्स थ्री एंड सिक्स तो हम फोर के आगे भी एक एरे बना देंगे जिसके अंदर हम थ्री एंड सिक्स लिखेंगे ठीक है ऐसे ही फाइव किस किस से कनेक्टेड है एंड तो हम ये भी एक एरे बनेगा हमारा और इसमें ये तीनों एलिमेंट्स जाएंगे वन टू एंड सिक्स ठीक है सिक्स किस से कनेक्टेड है फाइव फोर फाइव और फोर से ठीक है तो हम लिख देंगे फाइव और फोर तो ये हमारी हो गई लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन तो essentially, अगर आप देखो तो हुआ क्या है जीरो के अगेंस्ट हमारा एक बना है वन वन के अगेंस्ट हमारा तीन लेंथ का एरे बना है जिसमें है जीरो टू फाइव टू के अगेंस्ट हमारा फिर से एक तीन लेंथ का एरे बना है जिसमें हमारा है वन थ्री फाइव ऐसे ही थ्री के अगेंस्ट टू लेंथ का एरे बना है which is two and four. फिर four के अगेंस्ट हमारा फिर से टू लेंथ का एरे बना है अंदर हमने डाला थ्री और सिक्स फाइव के अगेंस्ट हमारा एक थ्री लेंथ का एरे बना है जिसमें हमने डाला है वन टू एंड सिक्स सिक्स के अगेंस्ट हमारा टू लेंथ का एरे बना है जिसमें हमारा है थ्री एंड फोर ठीक है सॉरी फाइव है सिक्स इज कनेक्टेड टू फाइव हाँ तो फाइव तो अब अब जो जगह हमारे एडजेंसी एडजेंसी मैट्रिक्स में हमने सिक्स क्रॉस सिक्स की लेनी थी सेवन उसके लिए हमें इतनी सारी लेनी पड़ती सिक्स क्रॉस सिक्स की सिक्स क्रॉस सिक्स मैट्रिक्स बनाना पड़ता पूरा वो हमारा इतने से उसमें हो गया छत्तीस डब्बे लगते ना इसमें थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स जगह लेते आप थर्टी सिक्स एलिमेंट्स को रखने की जगह लेते चाहे उसमें जीरो वन जीरो वन ही डालते बट थर्टी सिक्स स्पेसेस लगती है आपको यहाँ कितनी लगी एक दो तीन छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है सोलह सतराह जितनी भी है तो कितनी कम हुई समझ रहे हो आप yes, आपको फायदा पता लगा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स एंड एडजी लिस्ट यस मैम यस एनी एनीवन हैविंग एनी डाउट ये देख लो इसके बाद क्योंकि हमने जो टॉपिक करना है ना दैट इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू टीच और वो समझ नहीं आएगा अगर ये तो मतलब बिल्कुल मिनिमम है जो आपने समझाया अभी ठीक है आगे बढ़े किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज अभी बता दो ठीक है नहीं है ओके ओके सो आपको एडजेसेंसी लिस्ट समझ आ गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स समझ आ गया अब आपका काम क्या है आपने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ढूंढने हैं इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ढूंढनी है घर जाके क्या है अब हम ट्रैवर्सल्स uh, तो ग्राफ में आज नहीं करेंगे क्योंकि जो मेरे को uh, बोला गया आज कराने के लिए दैट इज डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम तो वी विल फोकस ऑन दैट तो आप मुझे बताओ कि आप लोगों को डाइकस्ट्रास के बारे में कुछ पता है यस इट्स फाइंड मिनिमल टेस्ट पार्ट फाइंड करने के लिए यस मैम ठीक है uh, आपको वो पता है क्या मतलब आप लोगों ने ट्रैवर्सल्स भी करे हैं क्या ग्राफ में नो मैम ब्रेथ फॉर सर्च डी एफ जो हमने ट्री में देखा था वो ग्राफ में भी होता है ना यस मैम ग्राफ वाला नहीं पता मैम ओके जस्ट गिव मी अ मिनट आज हमें क्या करना है हमने आज करना है Dijkstra's algorithm. Dijkstra's algorithm अब क्या होता है हम पहले ये समझेंगे कि वो हमें करना क्या होता है उसके अंदर पहले तो आप ये समझो एल्गोरिदम क्या होता है एल्गोरिदम है कि भाई ये ये स्टेप्स फॉलो करो तो आपका ये काम हो जाएगा भाई इस काम को करने के ये तरीके हैं इंग्लिश में लो लिखे हुए लाइन या स्टेप्स या इंस्ट्रक्शन होती हैं हम उसको एक एल्गोरिदम बोल सकते हैं ठीक है थीके? अब आती है डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम की बारी कि भाई एल्गोरिदम यूज़ होती है कि ये एल्गोरिदम यूज कर लो तो आपका ये काम हो जाएगा

तो uh, अब हम नाउ वी विल सी कि ये है क्या वॉट इज कि हम उस ग्राफ को यूज कर हम uh, देखेंगे कि हमें करना क्या है और फिर कैसे करना है मैं बस एक सेकेंड के लिए ग्राफ बना देती हूँ <coughs> अब सारे लोग बहुत अटेंटिवली सुनेंगे ठीक है अब अपनी सारी पानी पुनी पी लो पर इसके बाद एकदम अटेंटिवली सुनना क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और समझना भी है हमें मैं एक मिनट के ब्रेक दे दो मैम एक मिनट का ले लो इतने इतने में मैं ग्राफ बना रही हूँ आप लोग ले लो ब्रेक इसमें इतनी कोई पहाड़ चीज नहीं है आप लोगों के लिए इजी ही है बट ये है कि आप लोगों को सुनना ध्यान से है Continue on. Yes, I'm just making the graph, please give me two minutes. अभी आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा आप लोगों के सामने अभी तक हमने पढ़े थे दो तरीके के ग्राफ एक थे हमारे डायरेक्टेड वाले जब कोई दो पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन होती थी और ऐसे कोई ग्राफ बन जाता था ऐसे करके कोई ग्राफ बन जाता था तो हम उसको बोल देते थे भाई ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है उस उसके अलावा हमने देखा था एक होता था अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें हमारे पास ऐसे कोई डायरेक्शन के बिना कोई ग्राफ प्रेजेंट है ठीक है दो तरीके के हो गए एक हो गया डायरेक्टेड एक हो गया अनडायरेक्टेड अब हम एक तीसरी चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो तीसरी तरह का ग्राफ तो नहीं है बट एक नई चीज है जो अभी तक आपने नहीं देखी है वो ये है कि अगर ये जैसे हमने एक ये जीरो है, और, ये वन है जीरो और वन के बीच में जो एज है ये जो आपने एज देखी थी अभी तक ये वाली एज जो देखी थी ये जो एज आपने देखी थी अगर इसके ऊपर हम कोई कोई हम यहाँ पे नंबर लिख दे जैसे मैं यहाँ लिख दू पांच और कहू कि भाई जीरो से वन तक जाने पे जो वेट है वो है फाइव अब आप इसे वेट कह लो डिस्टेंस कह लो कुछ भी कह लो बट एक कोई अगर हम एक एज को कोई नंबर साइन कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं भाई ये वेट है इस एज का ये वेट है जीरो से वन तक की एज का जो वेट है वो फाइव है ऐसे ही अगर हम यहाँ लिखे जीरो से टू तक का जो वेट है वो सिक्स है जीरो से टू तक का जो वेट है वो सिक्स है अब आप ये समझ लो भाई वेट क्या क्या वो डिस्टेंस है क्या वो किलोमीटर है या वो क्या क्या वहां तक जाने के वो पैसे इतने लगते हैं क्या है ये सिक्स ये सिक्स आप कुछ नहीं कुछ आप इसे कुछ ऐसा नहीं समझ सकते डिस्टेंस पैसे ये वो इसको हम बस सीधा बोलेंगे वेट है ये ये इस एज का वेट है जब हमारे ग्राफ में ऐसे अक्षर हमने इसके ऊपर लिख दिए एजेस के ऊपर मान लो मैं यहाँ लिख दू दस यहाँ लिख दू ग्यारह यहाँ लिख दू बारह इन सबको मैंने वेट असाइन कर दिया इन सारी एजेस को तो हम इसे बोल देंगे वेटेड एज वेटेड ग्राफ जब हमने एजेस को वेट साइन कर दिया किसी ग्राफ में तो हम इस ग्राफ को बोल देंगे वेटेड ग्राफ अब अगर वो ग्राफ अनडायरेक्टेड हुआ तो बोल देंगे अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ अगर वो ग्राफ वेटेड अगर वो ग्राफ डायरेक्टेड हुआ जैसे यहाँ डायरेक्शन है या फाइव लिख दो या सिक्स लिख दो या फोर लिख दो या थ्री लिख दो हर एज को हमने कुछ वेट दे दिया तो ये बन जाएगा डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ

मैम रैंडमली मतलब दिया हुआ रहेगा वेटेड हाँ जी कुछ कोई भी वेट असाइन हो सकता है कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कोई इसमें कंडीशन नहीं है कुछ नहीं है इनपुट में आपको ग्राफ मिलेगा जिसमें हो सकता है कई बार वेटेड ग्राफ मिले वो फिर वो उस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें वेट्स यूज हो रहे होंगे हो सकता है सिंपल ग्राफ मिले जिसमें वेट्स ना हो तो वो आपको बता देंगे ठीक है तो अब हम देखेंगे कि भाई हमारा डाइक्स एल्गोरिज्म क्या है तो अब आप इस ग्राफ को देखो आपको क्या लगता है ये कौन सा ग्राफ है यहाँ पे अनडायरेक्टेड है कोई Wait, भी डायरेक्शन हाँ, हाँ तो ये अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है क्योंकि इसमें वेट्स भी हैं और ये कोई डायरेक्शन भी नहीं है इसलिए अनडायरेक्टेड तो अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ बन गया ये आपका अब जो हमारा डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम है वो किस चीज के लिए यूज होता है हम इसे क्या चीज निकालने के लिए कर रहे हैं हमें इससे निकालना है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ उसका क्या मतलब है कि भाई आपको एक सोर्स दिया होगा कि आपको एक सोर्स दिया होगा और उस सोर्स से बाकी सारी वर्टिसेस तक आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देना है डाइक्ट्रेस एल्गोरिदम किसके लिए यूज होता है आई विल रिपीट माई सेल्फ हमें निकालना है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वॉट डज दैट मीन इसका मतलब है कि आपको एक सिंगल सोर्स वर्टेक्स से बाकी सारी वर्टिसेस तक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देना है शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा पाथ निकाल के देना है अब फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि जी ये जो जीरो वर्टेक्स है ये हमारा source vertex है source का मतलब क्या जहां से शुरू हो रहा है source मतलब जहां से आप हमने अपना shortest path निकालना है जो हमारा सोर्स पॉइंट है जहां से हमें शुरू हो रही है हमारी चीज ठीक है तो हम फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जो हमारा ये जीरो वर्टेक्स है ये हमारा सोर्स वर्टेक्स है यहां से यह हमारा सोर्स है यहां से हमें बाकी सारे वर्टसेस तक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देना है मतलब कि पहली बात कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम जीरो फ्रॉम जीरो टू वन जीरो से लेकर वन वर्टेक्स तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा एक पाथ तो है भाई सीधा चले जाओ जीरो से वन तक सीधा चले जाओ जो आपके पास एक है पाथ मतलब रस्ता एक रस्ता तो है ये सीधा फोर इसमें आपके लगेंगे कितने पैसे या पैसे समझ लो डिस्टेंस समझ लो कुछ भी समझ लो कितना वेट लगेगा इसमें फोर और... ठीक है एक रस्ता जी आपके पास ये है कि पहले जीरो से फोर जाओ फिर फोर से वन जाओ ठीक है इसमें कितने पैसे लगेंगे उन्नीस आठ प्लस ग्यारह उन्नीस एक एक रस्ता आपके पास ये कि पहले जीरो जाओ फोर जाओ एट जाओ टू जाओ वन जाओ फिर आप वन पहुंचोगे ये वाले रास्ते से जाना एक पाथ है हमारा है ना तो मैं एक बार बना देती हूँ एक मिनट दो मेरे को एक रास्ता है आपका ये एक रास्ता है आपका ऐसे जाना एक रास्ता है जी ऐसे जाना बाकी रास्ता कोई और हो सकता है ऐसे जाके ऐसे जाना है ना ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना हमारे पास हो सकते <》गें> था था। हमें इन सारे रस्तों में से सबसे छोटा निकालना है ठीक है ये तो हो गया जीरो से वन के लिए अब यही काम आपको जीरो से टू के लिए भी करना है यही काम आपको जीरो से थ्री के लिए भी करना है जीरो से सेवन के लिए भी जीरो से सिक्स के लिए भी जीरो से फाइव के लिए भी जीरो से एट के लिए भी जीरो से फोर के लिए भी अब आपको हो गया जी जीरो से ही क्यों करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जीरो आपका सोर्स है आपका सोर्स वन भी हो सकता था आपका सोर्स टू भी हो सकता था पर अभी आपका सोर्स जीरो है आपका सोर्स कुछ और भी हो सकता था डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यूअर जो उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है जो उन्होंने आपको इनपुट दिया है ठीक है तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे ही हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू टू भी निकाल लें जीरो टू थ्री भी जीरो टू फोर भी जीरो टू फाइव भी जीरो टू सिक्स भी ऐसे ही जीरो टू जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है सेवन और एट इन सब के लिए भी हमें शॉर्टेस्ट निकाल लें अब इन सब के लिए आपने देख लिया जैसे जीरो टू वन इतने रस्ते हो सकते हैं ऐसे ही जीरो टू टू भी बहुत रस्ते हो सकते हैं एक ये हो सकता है एक जी ये हो सकता है एक ये हो सकता है ऐसे बहुत रस्ते हो सकते हैं पर आपको सबसे छोटा निकालना है तो ये हमारा पहले तो क्वेश्चन हो गया कि हम इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग यूजिंग एल्गोरिथम ये समझ आया सबको पहले आप मुझे बताओ आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए भी करना क्या है दीज़ी, दीज़ी. मुझे इसमें बताओ किसी को कुछ भी डाउट हो कि भाई शॉर्टेस्ट क्या पाथ क्या कौन सा सोर्स क्या जी कुछ नहीं समझ आ रहा मैम दोबारा बताओ ऐसे कुछ फीलिंग है तो प्लीज बताओ मैं तो समझ जाए। आ जाएगा अह नोड भी तो दिया होगा ना कि यहाँ स्टार्टिंग नोड से लास्ट नोड कहाँ तक फाइंड करना है हमें कि आपको एक तो आपको ग्राफ का इनपुट मिलेगा कि भाई ये ग्राफ है ये एक आपको सोर्स का इनपुट मिलेगा कि आपको कौन से वर्टेक्स से बाकी सारे वर्टेसेस तक शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है ये सब के निकाल के देगा कि हां टोटल फ्रॉम जीरो वर्टेक्स से वन टू थ्री मतलब सबके डिस्टेंस इतने हैं मिनिमम हाँ जी मतलब आपको पता है आउटपुट क्या मिलेगा आपको आउटपुट मिलेगा एक एक एरे आउटपुट दे देगा आपको दे, दे देगा ये आपको ओके okay. मैं एक एरे आउटपुट मिलेगा जिसमें जीरो से खुद का रास्ता कितना होगा ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है Yes. एक एरे देगा हमें डिस्टेंस नाम का एक एरे रिटर्न कर देगा ये एल्गोरिदम हमें जिसमें उसने जीरो से बाकी सारे तक के लिखे होंगे मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ्स ठीक है जीरो से खुद का डिस्टेंस तो कुछ नहीं होगा जीरो ही होगा अब जीरो mm -hmm. से वन का शॉर्टेस्ट मुझे लग रहा है फोर ही होगा yes. बाकी सारे तो बड़े हैं ठीक है थीके? तो फोर होगा ऐसे ही जो आंसर आएगा मान लो कुछ भी रा... जो भी आंसर आएंगे अभी हमें नहीं पता वो हमें निकालने हैं yes. बट एक हमें एक एरे मिल जाएगा जिसमें हमने जीरो से बाकी सारे डिस्टेंस बाकी सारे वर्टिसेस तक के शॉर्टेस्ट पाथ लिखे होंगे ठीक है अभी हो सकता है किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो भाई मैम ये तो आपने एरे तब बता दिया आपने उस इंडेक्सेस पे लिख दिया जब ये कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्रेजेंट है हो सकता है कोई पच्चीस छब्बीस तीस इकतीस ऐसे हो वर्टिसेस के नाम

यस yes. ठीक है तो अब हमने देखना है कि हमने पहला काम क्या करना है जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज That was an urgent call. So, uh, हाँ जी तो हमने ये देख लिया है तो हमने अब क्या करना है हमने एक डिस्टेंस एरे नाम से एक एरे बनाना है ठीक है डिस्टेंस के नाम से एक एरे हम बनाएंगे शुरू में ही हमने एक एरे बना लेने जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मैं नीचे लिख देती हूँ इनके चलो ऊपर ही लिख लेते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ठीक है ये सारे हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया ये सारे हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम जीरो वर्टेक्स जीरो से जीरो का शॉर्टेस्ट पाथ जीरो से वन का शॉर्टेस्ट पाथ जीरो से टू का जीरो से थ्री का जीरो से फोर का जीरो से फाइव का जीरो सिक्स का जीरो से सेवन का जीरो से एट का ठीक है ये हमारा ये एरे रिप्रेजेंट कर रहा है कोड में तो मैम सर बाद में कराएंगे ना राना जो बोल रहे हैं कि कोड में कराओ पहले अभी मैं समझा तो दू कि हमें हमने करना कैसे है कोड तो मैं आपको बता ही दूंगी कोड तो बता के ही भेजेंगे बिना कोड के नहीं भेजते आपको तो हमने एक डिस्टेंस एरे बना लिया जिसके अंदर और अगर मैं आपको सीधा कोड दिखा दूंगी ना आपको समझ ही नहीं आएगा हम कर क्या रहे हैं मैं मैं आपको सीधा कोड भी दिखा सकती हूँ कि भाई ये लो ये कोड अब स, ये, ऐसे समझ लो इससे बेटर है कि एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि हमने ये करना है ठीक है? Uh, so, है एक हमने डिस्टेंस नाम से एक एरे बना लिया जिसके अंदर हमारे ये शॉर्टेस्ट पाथ स्टोर होंगे फ्रॉम जीरो टू ईच एंड एवरी वर्टेक्स ठीक है एक हम बनाएंगे विजिटेड एरे एक हम बनाएंगे विजिटेड एरे ठीक है विजिटेड एरे का क्या मतलब है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को एक मिनट दो मुझे, इसका नाम होगा विजिटेड इसकी भी लेंथ उतनी ही होगी जितने हमारे बर्टसेस हैं ठीक है ये क्या करेगा करेगा ये करेगा कि क्या हम इस वर्टेक्स पे पहले विजिट कर चुके हैं या नहीं ठीक है अगर ये एक एरे होगा ये एक बुलियन एरे होगा बुलियन एरे आप समझते हो जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स प्रेजेंट हो सकता है ठीक है yes, तो हमने एक बुलियन एरे बनाया है अभी तक जिसमें हमारे पास ट्रू और फॉल्स प्रेजेंट हो सकता तो मतलब है ट्रू कब प्रेजेंट होगा जब हो तो मतलब हम उस वर्टेक्स पे आ चुके होंगे और जब कहीं ट्रू प्रेजेंट होगा तो मतलब हम उस वर्टेक्स पे विजिट कर चुके हैं जब वहां पे फॉल्स होगा तो मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा कर अभी तक हम उस वर्टेक्स पे विजिट नहीं कर चुके और शुरू में शुरू में क्योंकि हम अभी तक तो किसी वर्टेक्स पे गए नहीं है तो स्टार्टिंग में इस एरे में सब जगह फॉल्स प्रेजेंट होगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई अभी तक हम किसी भी वर्टेक्स पे नहीं गए हैं क्योंकि सारी वर्टेसेस पे फॉल्स प्रेजेंट है ठीक है आप लोगों को ये बात समझ आ गई अब क्या करना है हमने शुरू में सारों में फॉल्स है स्टार्टिंग में सारे मैं लिख नहीं रही मैं सारे या व्हाट द हेल ये क्या है भाई जस्ट गिव मी अ मिनट ये क्या हो रहा है What the hell is this? In somebody? So, um... हमने ये देखा कि हमारे विजिटेड में हमारे विजिटेड में ये प्रेजेंट होगा कि हम किस वर्टेक्स पे जा चुके हैं और शुरू में क्योंकि हम किसी भी वर्टेक्स पे विजिट नहीं करा होगा हमने इसलिए स्टार्टिंग में सब जगह फॉल्स प्रेजेंट होगा ठीक है तो अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा मतलब फॉल्स समझ लो उसको ठीक है अगर मैं लिखूंगी ना फिर बाद में हमें उसे ट्रू करना पड़ेगा तो वो रब करके ठीक करना पड़ेगा इसलिए आप पहले समझ लो कि अगर खाली है मतलब फॉल्स है अभी हमने किसी पे भी विजिट नहीं करा जब भी मैं विजिट करूंगी तो मैं ट्रू लिख दूंगी वहां पे ठीक है और शुरू में हमने सारे डिस्टेंस वाले एरे में इंफिनिटी इंफिनिटी डाल लेना है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 0 से 1 तक का क्या शॉर्टेस्ट बात है इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि जीरो से बाकी सारे वर्टिसेस तक का डिस्टेंस इन्फिनिटी है क्योंकि हमें अभी नहीं पता है इसलिए फॉर सपोजिशन वी विल सपोज कि भाई ये इन्फिनिटी है जब हमें कुछ मिलेगा तब हम वहां पे रिप्लेस कर देंगे ठीक है तो अभी यहाँ सारी जगह इन्फिनिटी इन्फिनिटी इनफिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्रेजेंट है मैं वो डब्बे में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं वहां पे सही लिखना चाहती हूँ जो भी एक्चुअल आंसर होगा मैं वो लिखना चाहती हूँ और शुरू में चाहे आप जीरो टू जीरो भी इन्फिनिटी कह लो ठीक है तो अभी तक क्या है कि हर जगह फॉल्स प्रेजेंट है मैं नीचे लिख देती हूँ फॉल्स ताकि आपको बताओ हम बॉक्स के अंदर तब लिखेंगे जब हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा ठीक है तो हमने दो काम करे हमने एक विजिटेड एरे बनाया एक हमने डिस्टेंस का एरे बनाया विजिटेड रिप्रेजेंट करेगा कि क्या हम उस वर्टेक्स पे आ चुके हैं कौन से वर्टेक्स पे जिस इंडेक्स पे होंगे मतलब अगर वन इंडेक्स है तो क्या हम वन वर्टेक्स पे विजिट कर चुके हैं ये वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे ही बाकियों के लिए डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई जीरो से उस वर्टेक्स तक के तक का क्या डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सो जैसे अगर टू वर्टेक्स टू इंडेक्स पे है तो ये बता रहा है कि जीरो से टू तक का क्या मिनिमम डिस्टेंस है या क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या क्या शॉर्टेस्ट पाथ है और शुरू में हमने सपोज कर लिया कि सारे डिस्टेंसेस इंफिनिटी है हमें नहीं पता इसलिए हम सपोज कर रहे हैं कि इन्फिनिटी है ये चीज सब लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? करना है ना हमें हाँ जी बस एज्यूम करना है कि भाई इन्फिनिटी है क्योंकि हमें नहीं पता ठीक है हमने जूम कर लिया जीरो से जीरो तक का भी इन्फिनिटी है जीरो से वन तक का इन्फिनिटी टू तक का थ्री तक का सेवन तक का एट तक का सिक्स तक का थ्री तक का फोर तक का फाइव तक का जितने भी है सबका इन्फिनिटी है अब हम क्या कह रहे हैं कि अगला काम हम ये कर रहे हैं कि हमने क्योंकि हमारा जो सोर्स है हमारा सोर्स है वो वन है तो हम वन सॉरी uh, जो हमारा सोर्स है वो जीरो है तो हम करते हैं जीरो को विजिट जब हमने जीरो को कर लिया विजिट तो हमारा विजिटेड में आ गया ट्रू ठीक है हम शुरू में आते हैं जीरो पे जीरो को करते हैं विजिट क्योंकि हमने जीरो पे आ गए हम जीरो से शुरू कर रहे हैं हम इसलिए हम उसकी जगह वहां पे उसके विजिटेड में ट्रू डाल रहे हैं कि भाई हमने जीरो को कर लिया विजिट आगे बढ़ो ठीक है जैसे हमने जीरो को विजिट कर लिया मैं यहाँ पे जीरो येलो से दिखा देती हूँ जिसपे हम आ चुके होंगे वो वो येलो से होगा ठीक है हम जीरो पे आ चुके हैं अब अगला काम क्या है कि भाई हमने क्या करना है हमने ये देखना है हमने इसके शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ठीक है मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख टाइप करके लाई ताकि हम, मैं मतलब मैं यू वी लिखू तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो हैंड राइटिंग में कई बार बंदे को समझ नहीं आता यू का डिफरेंस और वी का इसलिए टाइपड है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे ठीक है तो हमने ये फॉर्मूला अब अप्लाई करना है ठीक है अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो आपको देखना है जब हम शुरू में ये ढूंढ रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम जीरो हमने जीरो से ढूंढना है तो हमारा जीरो हो गया यू हमने कहाँ तक ढूंढना है हम हम जीरो से कहाँ तक का शॉर्टेज ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली जीरो डायरेक्टली कनेक्टेड डायरेक्टली किस किस से कनेक्टेड है One One and four. Four. वन तो और फोर तो जीरो वन और फोर के वन और फोर के डिस्टेंस को इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि जीरो वन और फोर से डायरेक्टली कनेक्टेड है जीरो टू को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो इम्पैक्ट कर सकता है उसे अगर हम ये वाला रास्ता ले और ये वाला रास्ता ले तो उसमें जीरो इम्पैक्ट कर रहा है टू के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बट डायरेक्टली नहीं कर रहा अभी हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्टली कौन कौन इम्पैक्ट कर रहा है उसके जो नेबर्स होंगे जो उसके एडजेसेंट नेबर्स होंगे जिससे वो जुड़ा होगा तो जीरो किस किस से जुड़ा है वन से और फोर से four. तो पहले हम निकालेंगे जीरो से वन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला ठीक है ये क्या कह रहे हैं हम सपोज करते हैं जो जीरो है वो हमारा u है जहां से हम ढूंढ रहे हैं उसे u बोलेंगे जहां से हम जा रहे हैं या जहां से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं उसको u बोलेंगे जहां तक ढूंढ रहे हैं उसको हम बोलेंगे v ठीक है ये हो गया हमारा u ये हो गया हमारा v अब हमारा क्या कहता है डिस्टेंस एक्चुअली uh, इस सबसे पहले u v से पहले मुझे आप ये बता दो कि जीरो का जीरो से डिस्टेंस क्या है जीरो जीरो तो जैसे हमने जीरो को विजिट करा था जब हम जीरो पे आए थे तो हमने जीरो का खुद से डिस्टेंस भी निकाल लिया जो कि जीरो है तो आप इसे यहाँ पे डाल दो डिस्टेंस वाले में डाल दो कि भाई जीरो का तो शॉर्टेस्ट जीरो नेगेटिव में तो नहीं होगा तो ये तो पक्का ही है कि जीरो का जीरो से डिस्टेंस जीरो होगा इसमें तो कोई कुछ और बेटर आंसर नहीं हमें मिल सकता तो ये हमने इसमें लिख दिया अब हम आपकी यू वाली बात करते हैं हमने कहा हमें जीरो जीरो डायरेक्टली वन और टू फोर वन और फोर को इम्पैक्ट कर सकता है तो हमने ये लिख दिया वन और फोर अब हम क्या कह रहे हैं कि जहां से हम जा रहे हैं वो हमारा यू है जहां तक हम जा रहे हैं वो हमारा वी है हमारा फॉर्मूला कहता है कि इफ डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यू वेट ऑफ यू डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट ऑफ यू वी इफ इट इज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ वी तब आप क्या करो डिस्टेंस ऑफ वी को ये दे दो मैं रिपीट करती हूं इफ डिस्टेंस ऑफ यू इफ डिस्टेंस ऑफ यू जो कि हमारा अभी जीरो है इफ डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डिस्टेंस ऑफ प्लस वेट ऑफ यू वी वेट ऑफ यू वी क्या है वेट ऑफ यू वी क्या है फोर है ना वेट तो जीरो और वन तो... के बीच में वेट फोर है तो यू प्लस U तो जीरो था हमारा प्लस प्लस, प्लस बाद में, में करते हैं हाँ जी पहले मैं बस आपसे वेट पूछ रही हूँ कि वेट फोर है ना हमारा यू वी का वेट फोर है तो U हमारा हो गया जीरो क्योंकि हमने देख लिया जीरो का जीरो से डिस्टेंस जीरो है हमने जीरो लिख दिया यहाँ पे ये इन्फिनिटी काट के जीरो लिख लो हम क्या कह रहे हैं वेट ऑफ यू वी क्या है फोर है हम क्या कह रहे हैं अगर ये किससे कम है लेस देन व्हाट डिस्टेंस ऑफ वी डिस्टेंस ऑफ वी क्या है अभी इन्फिनिटी इन्फिनिटी है फोर जीरो प्लस फोर इज फोर ये इन्फिनिटी से कम होता है हाँ जी होता है कम होता है ना कम यस yes. तो हम कहेंगे ठीक है भाई हमें एक डिस्टेंस तो मिल गया मतलब एक रिश्ता तो मिल गया वी तक का वी तक को उसका दे दो फोर दे दो डिस्टेंस ऑफ यू डिस्टेंस ऑफ यू यही जीरो वेट ऑफ यू वी विच इज फोर तो जीरो प्लस फोर फोर तो हमने इसको इन्फिनिटी की जगह दे दिया फोर ये समझ आया आप लोगों को हमने क्या करा हमने क्या करा डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यू वी इफ इट इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी तब आप क्या करो डिस्टेंस ऑफ वी को वही दे दो जो आपने अभी ये बनाया है डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यू वी ठीक है yes. हाँ क्योंकि हमें उससे एक छोटा मिल चुका है डिस्टेंस हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं एक हमारे पास पहले से डिस्टेंस है वी का हमने शॉर्टेस्ट निकालना है ना हमारा मोटो क्या है कि हमें शॉर्टेस्ट निकालना है हम क्या कह रहे हैं ठीक है आपके पास एक डिस्टेंस ऑफ वी है अगर हमें ये डिस्टेंस छोटा मिल जाता है उससे तो भाई छोटा लेंगे ना हम तो क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट निकालना है अगर हमें ये डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट ऑफ uv अगर हमें छोटा मिल जाता है हमारे अभी प्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ v से तो आप डिस्टेंस ऑफ v को वो दे दो आप छोटे वाला ले लो okay. समझ रहे हो मतलब अभी हम कह रहे हैं इंफिनिटी है शुरू में हमने कह दिया इंफिनिटी है ठीक है हमें एक रास्ता पता है ये 4 वाला जीरो टू वन वाला एक रास्ता है भाई इन्फिनिटी से तो कम ही होता है फोर, चलो फोर तो दे दो, आगे आगे देखेंगे अगर आगे कोई और आया रास्ता तो हम देख लेंगे अगर इससे फोर से कम मिला तो हम फोर को स्वैप कर देंगे उससे चेंज कर देंगे। समझे हो आप जैसे अगली बार क्या होगा मान लो आप कोई और भी भी कम ही होगा मैम है ना तो जितने भी आएंगे उनसे तो ही रहेगा ना मतलब जो भी ये सर शुरू में होगा ना जैसे जब जब आप को हो सकता है, को भी कर सकते है ना इम्पैक्ट हाँ फिर तो हो सकता है फिर, फिर फिर आपके पास एक और रास्ता मिलेगा ना आपको हालांकि आप फिर भी फोर को तो नहीं चेंज करोगे क्योंकि ग्यारह है ये ऑलरेडी ये ग्यारह है पीछे से भी इसके हुँ. पास कुछ आया होगा तो वो तो प्लस करके फोर से ज्यादा ही होगा पर हमेशा रस्ते है ना। आप हर रस्ते, एक तरह से आप हर रास्ता ट्राई कर रहे हो ठीक है, ठीक है? तो आ, ये समझ आया आप लोगों को मैं एक बार क्विकली फटाफट रिपीट भी कर देती हूँ एक बार मैं ये सारा रब कर दू मैं ये सारा हटाना चाह रही हूँ जो थोड़ा सा मैसेज मच गया यहाँ पे हाँ जी तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई जीरो से खुद का डिस्टेंस तो जीरो है जीरो लिख दो अब जीरो से वन तक का देखते हैं क्यों देख रहे हैं क्योंकि जीरो किस किस को इम्पैक्ट कर सकते हैं वन और फोर को तो पहले हम देखते हैं वन को क्या इम्पैक्ट करता है ये ये इंफिनिटी काट के जीरो कर दो क्योंकि ये हमने जीरो लिख दिया है जीरो का खुद से डिस्टेंस जीरो ही होता है अब क्या होगा हमारा हमारा जो ये फॉर्मूला है इसमें जीरो हमारा यू बन जाएगा जीरो हमारा यू बन जाएगा तो ये हमारा यू बन गया हम कहा तक का निकाल रहे हैं वी तक का तो वन हमारा वी बन गया अब हमारा डिस्टेंस ऑफ यू कहाँ से मिलेगा हमें हमें यहाँ से मिलेगा डिस्टेंस वाले एरे में से डिस्टेंस ऑफ u जो कि u हमारा जीरो है तो डिस्टेंस ऑफ u भी जीरो है यहाँ लिखा हुआ है हमने जीरो तो ये जीरो हो गया वेट ऑफ यू वी क्या है पहले बताओ वी क्या है? हैिटी है डिस्टेंस ऑफ वन क्या है ठीक है? 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 है जी इन्फिनिटी है इन्फिनिटी लिख दिया तो जीरो प्लस फोर क्या वो इन्फिनिटी से कम है हाँ जी yes, कम है, है. तो पहले जो हमें पता था कि भाई वी का डिस्टेंस इन्फिनिटी है हमें अब एक और छोटा डिस्टेंस मिल गया इन्फिनिटी से तो भाई हम इन्फिनिटी को रखेंगे हम तो छोटा रखेंगे ना क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट चाहिए तो ठीक है भाई अगर आपको छोटा मिल गया तो उसे असाइन कर दो वी को तो हमने ये जो छोटा निकाला था उसे डाल दिया वी में तो ये इन्फिनिटी की जगह ये फोर बन गया यहाँ पे ये इन्फिनिटी की जगह फोर बन गया ये समझ आया आपको हम आगे बढ़े नो मैम ये समझ नहीं आया अच्छा 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 ठीक है क्या समझ नहीं आया इसमें आपको ये फोर जो का इनफिनि ये ये मुझे समझ अब अब आप ना मेरे साथ हाँ हाँ करना जब जब आपको समझ आए और ना करना जब नहीं आए ठीक है आप मुझे बताओ आपको ये पता है Uh, किस एस हमारा जीरो हमारा सोर्स है ठीक है आपको पता है हम जीरो पे आ गए जीरो हमारा विजिट हो गया तो हमने विजिटेड में ट्रू डाल दिया राइट ओके okay. अब अगला काम क्या हो रहा है हम कह रहे हैं कि जीरो का अपने आप तक डिस्टेंस क्या होगा जीरो का जीरो से डिस्टेंस क्या होगा जीरो जीरो का खुद से क्या डिस्टेंस कुछ भी नहीं ना जीरो हुआ जीरो ठीक है तो हम ये डिस्टेंस वाले एरे में जीरो डाल देते हैं क्योंकि हमारा डिस्टेंस वाला एरे क्या रिप्रेजेंट करता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम जीरो टू अदर अदर वर्डसेस जैसे ये पहला इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो से जीरो का शॉर्टेस्ट पाथ दूसरा क्या कर रहा है जीरो से वन का शॉर्टेस्ट ये जीरो से टू का जीरो से थ्री का ठीक है ये समझ रहे हो आप यस ठीक है तो हम यहाँ जीरो डाल दें पहले वाले बॉक्स में यस मैम क्योंकि जीरो का खुद से डिस्टेंस जीरो होता है शॉर्टेस्ट right. mm -hmm. ये इनफिनिटी को काट के भी जीरो लिख दे यस ठीक है अब मुझे बताओ कि जीरो डायरेक्टली कौन से कौन से वर्टेक्स को इम्पैक्ट कर सकता है एंड एंड क्योंकि उनके बीच में एक एज है राइट और वन के बीच में भी एज है जीरो और फोर के बीच में भी एज है ठीक है yes. mm -hmm. तो हमने मतलब वन और फोर दोनों पे कुछ कुछ काम करना है पहले हम वन पे करते हैं क्या Correct. काम करना हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अब ये फॉर्मूला क्या कहता है ये यू और वी ले रहा है यू किसको बोल रहे हैं हम जहां से हम शुरू कर रहे हैं जैसे हमने जीरो से शुरू करा जहां से हम जा रहे हैं तो हमने इसको जीरो ले लिया ये समझाया yes. जहां तक हम जा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं वी ठीक right. है जीरो mm -hmm. मतलब जहां से जा रहे हैं वी मतलब जहां तक जा रहे हैं अब आपको ये फॉर्मूला दे अप्लाई करने क्या है? पहले बताओ यू क्या है जीरो ठीक है वी क्या है uh, हाँ जी अब डिस्टेंस ऑफ़ क्या है? जीरो फोर सॉरी नहीं 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 बिल्कुल सही बोला आपने डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ़ क्या है? देखा हुआ तो मतलब hmm. right, तो हमने यहाँ जीरो लिख दिया जो पहले इन्फिनिटी right. था हमने देखा जीरो का खुद से डिस्टेंस जीरो होता है तो आपको जीरो लिख दिया आपने अब वेट ऑफ यू क्या है

डिस्टेंस ऑफ v क्या है पहले बताओ v क्या है v तो ये वन है हाँ वन हो गया ना V तो वन है यहाँ पे हमने लिखा V लिखा हुआ है V वन है जी हाँ वन है ये डिस्टेंस वाले एरे में से देख के बताओ मुझे कि डिस्टेंस ऑफ वन क्या होगा इन्फिनिटी मेंशन करा ना हमने पहले सबको हाँ इन्फिनिटी दे दिया तो बट तो लेंगे वो डाउन ही होगा मतलब उससे कम ही होगा हम जैसे जैसे ग्राफ में आगे बढ़ेंगे ना आपको समझ आएगा कि हमेशा हम इनफिनिटी को ही कम नहीं कर रहे होंगे कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जब हमने इन्फिनिटी को काट के कुछ और लिखा होगा और हमें कोई और रास्ता मिलेगा जो कि उससे भी छोटा होगा तो आप अभी मतलब जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है अभी के लिए आप इन्फिनिटी को ऐसे करके करो अभी एक लीप ऑफ रखो कि इसका कोई कारण है जैसे पूरा ग्राफ खत्म होएगा आपको समझ आएगा ओके ठीक है तो okay, अभी मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ वी क्या है डिस्टेंस ऑफ़ राइट क्योंकि हमने शुरू में सारे डिस्टेंस इन्फिनिटी दिए हुए क्योंकि हमें पता नहीं है क्योंकि हमें जीरो right. से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पता शुरू में इसलिए हमने सपोज करके इन्फिनिटी दे भाई तुम इन्फिनिटी रखो अगर हमें कोई शॉर्टेस्ट मिला तो हम तुम्हें दे, दे देंगे ठीक है yes. तो हमने क्या करा हमने कहा ये तो इन्फिनिटी है जीरो प्लस फोर इज लेस देन इन्फिनिटी यस yes. yes. तो हम इसके अंदर आ गए अब अंदर आके क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपको कुछ कम मिल गया है डिस्टेंस ऑफ वी से जो पहले डिस्टेंस ऑफ वी आपका इंफिनिटी था अब आपको कम मिल गया है उससे आपको लेस देन मिल गया है ना उससे डिस्टेंस तो आप वो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ वी में डाल दो जो आपने यहाँ पे कम ढूंढा था वो आप अब वी में डाल दो क्योंकि आपको इन्फिनिटी से छोटा मिल गया है उसके पुराने डिस्टेंस से छोटा डिस्टेंस मिल गया है हमें क्योंकि शॉर्टेज ढूंढना है इसलिए right. था अब वो डिस्टेंस ऑफ यू जीरो प्लस फोर इज फोर जो पहले right. distance of v infinity था अब वो 4 बन गया तो जी, अब मैं यहाँ पे फोर लिख रही हूँ ना कि डब्बे में क्योंकि ये तो हमने वी आर स्टिल नॉट श्योर कि ये आपको एक infinity, infinity से तो छोटा रास्ता मिल गया पर क्या पता फोर से भी छोटा हो right. नहीं हुआ तो तो, तो डाल ही देंगे ठीक है। mm -hmm. अब हम चलते हैं आगे sure. ये आपने देख लिया कि जब U जीरो था और V वन था अब हम देखेंगे जब U जीरो है और V फोर है क्योंकि जीरो किस किस को इम्पैक्ट कर सकते हैं वन और फोर को राइट ठीक है इससे पहले एक मिनट मुझे बस ये कंफर्म करना है कि कैन वी एक्सटेंड द क्लास क्योंकि इसको तो अभी टाइम लगेगा Uh, the function up host, can I please? I mean, do we need to extend the class? I mean, the class was supposed to be till 2, but uh, because people wanted to know, we are having lunch break from 2 to 3 p.m. Um, Just give me a minute. Can I just call Shivam once? He's saying that uh, we we? can can continue with the class, so फिर आपको पाँच दस मिनट की ब्रेक ले लेना आप और फिर हम कोड देख लेंगे Is that fine? या आप लोगों को अभी ब्रेक चाहिए पता अगर मैंने अभी ब्रेक दे दी ना तो जो अभी तक समझाया वो फिर से करना पड़ेगा यस yes, मैम तो करें कंटिन्यू यस ठीक है कोड से पहले हम फिर ब्रेक ले लेंगे तो अभी आपने देखा कि जो जीरो है वो डायरेक्टली वन और फोर को इम्पैक्ट कर सकता है कि वन के लिए तो हमने लिख दिया वन के लिए जो ये इन्फिनिटी बना है इसको फोर बना दो क्योंकि हमें इन्फिनिटी से तो छोटा रास्ता मिल गया है ठीक है तो हमने इसको भी बना दिया अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आप आपने वन को तो इम्पैक्ट कर दिया आप फोर को भी करो क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब हमारा जीरो बन गया और फोर हमारा वी बन गया अब हमें फिर से यही फॉर्मूला लगाना है तो डिस्टेंस ऑफ यू क्या है कौन बताएगा मुझे डिस्टेंस ऑफ यू क्या है जीरो, जीरो क्योंकि u क्या है हमारा zero. Distance of zero, zero. Zero ही होगा इसलिए ये zero है Weight of UV क्या है क्या no, हाँ जी किसी ने फोर किसी ने फोर बोला था जिसने फोर बोला है मुझे वो बच्चा बताए फोर क्यों बोला it. हमने बोला है डिस्टेंस ऑफ यू वी U हमारा जीरो है, V हमारा फोर है। इन दोनों के बीच में वेट क्या है? इन दोनों के बीच में वेट क्या है? एट है। तो हमारा वेट ऑफ़ U V भी एट हो गया। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस ऑफ़ V क्या इन्फिनिति, है? इन्फिनिटी। अब यहां से भी देख सकते हो। मैंने यहां भी वेट्स क्यों लिखा हुआ है ये वाला ठीक है तो ये भी हमारा इन्फिनिटी हो गया ओके समझ आ गए अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई क्या yes, yes. हाँ आठ तो कम ही होता है तो हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है अगर आपको इन्फिनिटी से कुछ कम मिल गया है तो डिस्टेंस ऑफ वी को वो दे दो जो आपको कम मिला है तो हम क्या करेंगे ये इन्फिनिटी काट के आठ दे देंगे डिस्टेंस ऑफ वी को वही जो हमें छोटा मिला था यू प्लस एट वो हम दे देंगे ये समझ आया ठीक yes, है तो अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमने 4 का भी shortest distance, एक, एक shortest निकाल लिया है हो सकता है हमें इससे भी कम मिल जाए बट एक तो हमने निकाल लिया, इसलिए हम यहाँ पे डिस्टेंस वाले में लिखेंगे ठीक है ठीक है जी यस मैम ओके यस अब अगला काम एक बार मैं ये रब कर तो अब क्या हो चुका है वन के लिए हमें शॉर्टेस्ट मिल चुका है फोर फोर के लिए शॉर्टेस्ट मिल चुका है एट वन का शॉर्टेस्ट चेंज होके बन चुका है फोर का शॉर्टेस्ट चेंज होके बन चुका है एट है ना यहाँ तक सब सब सही है यहाँ तक जी मैम जी जी, okay. लैपटॉप से काम करो ना लैपटॉप खराब हो गया ठीक है तो अब क्या हो रहा है अब हमें दूसरा काम क्या करना है जो भी जो भी मिनिमम डिस्टेंस है इसमें और मिनिमम डिस्टेंस भी होना चाहिए और वो वाला वर्टेक्स विजिटेड भी नहीं होना चाहिए वो वर्टेक्स निकाल लो ऐसा वर्टेक्स निकालो जिसका डिस्टेंस भी मिनिमम हो इन सब में से और जो कि विजिटेड भी ना हो ऐसा वर्टेक्स निकालो जो कि विजिटेड भी ना हो और उसका डिस्टेंस भी मिनिमम हो ऐसा वर्टेक्स कौन सा होगा जिसका डिस्टेंस भी मिनिमम है और जो कि विजिटेड भी नहीं ah, है कोई बता सकता है ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जो कि विजिटेड भी नहीं है विजिटेड कैसे पता चलेगा जो ट्रू होगा वो विजिटेड होगा ठीक है तो जो ट्रू नहीं है वो मतलब विजिटेड नहीं है उस पर हम अभी नहीं गए ठीक है और शॉर्टेस्ट डिस, आपको यहाँ से दिख रहे हैं ज, 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 जीरो का जीरो है वन का फोर है बाकी सबका इन्फिनिटी और फोर का एट है ठीक है तो वन पे वन पे जाएंगे ना मैं वन पे जाएंगे वन पे क्यों जाएंगे क्योंकि वन का डिस्टेंस सबसे इनमें से सबसे छोटा है जीरो से छोटा नहीं है लेकिन जीरो तो विजिटेड है तो विजिटेड को हमें छोड़ देना है हमें उस वर्टेक्स हाँ। पे जाना है जिसका सबसे छोटा डिस्टेंस भी हो और जो कि विजिटेड भी ना हो ठीक है तो वो कौन सा है वो वन है क्योंकि वन का फोर है डिस्टेंस और वो विजिटेड भी नहीं है बाकी सब तो या तो इन्फिनिटी है या एट है जीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो विजिटेड है yes. उस पर तो हम जा चुके हैं पहले ठीक है तो मतलब yes. है है अब हमारा है, तो हमने कर लिया वन को सिलेक्ट मतलब कि को कर लिया हमने अब विजिट हम वन पर आ गए वन पर जैसे ही हम किसी उस पर आते हैं हम उसको करते हैं विजिटेड मार्क जैसे हमने जीरो को करा था मार्क ऐसे ही अब हमने वन को कर लिया मार्क यहाँ पे कर दिया ट्रू कि भाई आ गए तुम पर तुम हो गए ट्रू अब ठीक है अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे पहले यू हमारा जीरो बना था अब हमारा यू वन बन जाएगा ठीक है पहले जैसे हमारा U जीरो बना था उसको उस पे आए थे उससे शुरू करा था अब हमने मिनिमम ढूंढ लिया मिनिमम वर्टेक्स ढूंढ लिया जो कि विजिट भी नहीं हुआ अब हमने देखना है कि हम वन से किस किस पे इम्पेक्ट कर सकते हैं जैसे जीरो से हम वन और फोर पे इम्पेक्ट कर सकते थे अब हमने देखना है कि वन से हम किस किस पर इम्पैक्ट कर सकते चाहिए नहीं होना चाहिए वो विजिट नहीं होना चाहिए ओके okay. पहले पहले तो ये बता दो कि किस किस पे कर सकते हैं चलो पहले ये बता नॉर्मली तो फोर, फोर पे पे कर सकते हैं फोर पे कर सकते हैं और टू पे कर सकते हैं और जीरो ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो जीरो पे तो देखो हम पहले ही जाए तो हमें जीरो पे नहीं जाना तो हमारे पास दो बचे फोर और टू टू पहले हम टू पे चलते हैं टू को वी बना लेते हैं ठीक है जैसे इस जीरो को वन को बनाया यू टू को बनाया वी अब लगाएंगे ये फॉर्मूला फिर से ठीक है अब बताओ मुझे यू हमारा वन है तो डिस्टेंस ऑफ़ अब, अब वाला एरे देखो, ये वाला एरे देखो. और मुझे बताओ कि डिस्टेंस ऑफ u क्या होगा u आपका वन है U आपका वन है तो इसमें से मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ U क्या है हाँ जी बोलो बोलो फोर ही हुआ ना मैम क्योंकि यहाँ जीरो था स्टार्टिंग में बट वहां पे जीरो ले रहे थे बट अभी जीरो से वन पे आ चुके हैं वहां पे वैल्यू फोर हो चुकी है हाँ तो बिल्कुल ही होगी हाँ जी डिस्टेंस ऑफ U फोर हो गया बिल्कुल सही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है आप इसको भी देख लिया करो राइट ठीक है डिस्टेंस ऑफ u हो गया 4 इसमें किसी को दिक्कत है ये सब सम, सब को समझ आ गया देखो ये समझ आना चाहिए भाई कि डिस्टेंस ऑफ u 4 है नहीं समझ आया अभी बताओ फिर आगे ना बहुत लेट हो जाएगा एक भी बच्चे को डाउट है प्लीज अभी बताओ आप नहीं है नो मैम ठीक है अब मुझे बताओ v हमारा 2 है तो हमारा वेट ऑफ UV क्या हुआ वेट ऑफ UV क्या हुआ एट क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एट लिखा हुआ है Yes. U हमारा वन है V हमारा टू है इनके बीच का जो एज है उसके ऊपर वेट लिखा हुआ है आठ तो हमारा वेट ऑफ UV हो गया आठ एट हाँ तो हमने यहाँ पे आठ लिख दिया डिस्टेंस ऑफ़ V इज़ इनफिनिटी डिस्टेंस ऑफ वी इज इन्फिनिटी ये आपने कैसे बोला आपने इस एरे में देखा भाई इन्फिनिटी लिखा हुआ है अभी तो टू का इन्फिनिटी है यहाँ भी दिख रहा है इन्फिनिटी हाँ, है तो ये ये इन्फिनिटी हो गया ठीक है भाई तो चार प्लस आठ हो गया बारह क्या yes. बारह इन्फिनिटी से छोटा होता है यस yes, छोटा होता है हाँ जी छोटा होता है तो मतलब जो पहले डिस्टेंस ऑफ वी इन्फिनिटी था हमें उससे एक छोटा रास्ता मिल गया यानी कि उसको मतलब अपडेट कर देंगे अपडेट कर देंगे अब हम उसे हम बोलेंगे तुम बारह इन्फिनिटी ना लेकर बारह ले लो हमें तुमसे छोटा मिल गया है ठीक है तो हम उसे बारह दे देंगे आ, ये समझ आ गया येस, हमें यस यस ठीक है एक बार फिर से करते हैं जीरो वन हमारा u है टू हमारा v है u से v पर गए डिस्टेंस ऑफ u हमारा था फोर हमने यहां से देखा वेट ऑफ u था हमारा आठ हमने यहां से देखा डिस्टेंस ऑफ वी हमारा इन्फिनिटी था हमने यहां से देखा क्योंकि हमने ये सपोज करा हुआ था अब चार प्लस आठ इज बारह इज लेस इंफिनिटी तो हमने वी को बोला भाई हमें इन्फिनिटी से छोटा रास्ता मिल गया है तुम हैिटी ना लेकर अब बारह ले लो तो हमने वी को बारह दे दिया डिस्टेंस ठीक है yes, अब मैं एक बार रब कर देती हूँ फिर अपडेट कर देते हैं ठीक है अब कर दो यहाँ पे अपडेट ये जो टू का बारह था अब बारह ना रहकर मतलब इन्फिनिटी ना रहकर हाँ बारह बारह यस क्या ये भी कट कर देते हैं अब क्या कह रहे हैं अब क्या काम है हमारा हमारा ये यू था वन एक इसने कर दिया टू को अब ये इंपैक्ट फोर को भी कर मैं सकते वहां पे हैं टू तो, टू तो को बारह कर दीजिए इन्फिनिटी कार्ड बिल्कुल सही वाजीवा बिल्कुल सही इसको कर दो बारह ठीक है अब हम फोर को भी इम्पैक्ट कर सकते फोर को इंपैक्ट करेंगे जीरो mm -hmm. को तो हम नहीं करेंगे क्योंकि mm -hmm. वो विजिटेड है visited. तो हम अब करेंगे फोर को तो हमारा फोर बन गया वी ठीक है अब मुझे बताओ यू हमारा वन है फोर हमारा वी mm -hmm. है हाँ. तो डिस्टेंस ऑफ यू क्या distance हुआ of is four, four. Four, आप लोग यहाँ से देख सकते हो यहाँ से देख सकते हो ठीक है फोर हो गया

हम कहेंगे भाई आप एक रास्ता तो ले आए आप ये ये वाला रास्ता तो ले आए पर हमारे पास तो छोटा रास्ता है हम तो छोटा रखेंगे अभी तो बड़े को consider नहीं करेंगे बड़े को कंसिडर नहीं करेंगे बड़े को अपडेट नहीं करेंगे नहीं क्योंकि करेंगे. हमें शॉर्टेजे ठीक है okay. तो हम आठ को अपडेट नहीं, नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे. करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे ठीक है एक बार भी को बस रब करने दीजिए हाँ जी ये हमने बारह करा हुआ अब क्या करेंगे हम अब हमारा हम जिस जिस को इम्पैक्ट कर सकते थे हम कर चुके अब हमें फिर से वही काम करना है जैसे पहले हमने वन चूज करा था अब हमें फिर से वो एक ए, एक वर्टेक्स चूज करना है जो कि विजिट भी ना हुआ हो और जिसका डिस्टेंस भी मिनिमम हो हमें फिर से एक वर्टेक्स चूज करना है जो विजिट भी ना हुआ हो जिसपे अभी तक हम गए भी ना हो जिसपे येलो भी ना हो और जिसका डिस्टेंस भी छोटा हो तो कौन सा हुँ. ऐसा एलिमेंट है इन तीनों में तुम्हें मैं एक फोर फोर ही दिख रहा है बट नहीं सॉरी एट पे जाएंगे फोर पे जीरो पे हम जा चुके मैं हाँ. फोर पे हम जा चुके बचा कौन बारह आठ और बाकी सारे इन्फिनिटी तो इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है आठ तो इसके वर्टेक्स पे जाएंगे क्योंकि भाई इस पे तो विजिट भी नहीं हुआ हुआ तो हम हम वर्टेक्स वर्टेक्स है ये फोर्थ yes, तो पे आएंगे जब हम पर आए हमने उसे येलो से मार्क कर दिया कि भाई हम साथ में दिख रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे मतलब आपको आप कोड में भी आप बार बार चेक करोगे कि भाई कहीं विजिटेड ट्रू तो नहीं है आ, one value value true. Give, हाँ वन वाली वैल्यू ट्रू है आएगी मतलब विजिटेड हाँ तो ये आप कोड में अब आप समझ रहे हो कि कोड में कैसे चेकिंग होएगी हर बारी आप विजिटेड में चेक करा करोगे ठीक है अब यार मैं ये येलो चूज नहीं कर पा रही इसका मुझे सोल्यूशन बताओ तो सब ये ऑरेंज से कर दिया ठीक है तो जब हमने ये करा इसका मतलब है कि हम आ गए फोर पर जब हम फोर पर आए हमने इसमें भी ट्रू मार्क कर दिया ठीक है अब मुझे बताओ फोर so, किस किस को किसाइव एट yeah. और फाइव और जीरो और वन तो थीखे? Visited, थीखे? है. हमें उसमें नहीं जाना हम जाएंगे फाइव yeah, पे और आठ पे ठीक है तो अब हमारा क्या हो जाएगा यू बन जाएगा हमारा फोर और फाइव बन जाएगा हमारा वी तो हमारा फोर हमारा यू है फाइव हमारा वी है अब मुझे इसमें से देख के बताओ डिस्टेंस ऑफ यू क्या है एट है वेट ऑफ यू वी क्या है? है? है. है वो हमने यहां से देखकर बताया

फोर के अगेंस्ट कैसे प्रेजेंट होगा एक एरे बनाओगा मैप में जीरो वन फाइव और एट ऐसे होगा ना प्रेजेंट एडजेसेंसी लिस्ट में अभी हमने देखा था हुँ. तो वन तो विजिटेड है जीरो भी विजिटेड है बचा क्या फाइव और एट तो आप ऑर्डर में ही जाओगे समझ रहे हो बाकी करने हो आप कैसे भी कर सकते हो वो डिपेंड करता है आपको इनपुट कैसे मिला हुआ है ठीक है हुँ. आप बस बोलोगे भाई अपने नेबर दे दो मुझे आपको फर्क नहीं पड़ता वो फाइव है एट है जो मर्जी है ठीक है जी दिवान हु आस्क्ड इज दैट ओके यस ओके ओके तो अभी हम देख रहे थे कि ये एट प्लस वन डिस्टेंस ऑफ u इज एट वेट ऑफ यू वी इज वन

Nine ले लो ठीक है अब हम फिर से आए इस पे U हमारा फोर ही था फाइव पे हम जा चुके हैं बचा एट इन्फिनिटी mm -hmm. है इसका पहले से mm -hmm. यहां से हमने देखा पहले इसका इन्फिनिटी डिस्टेंस uh, अब U हमारा फोर है V हमारा एट है तो डिस्टेंस ऑफ U क्या हुआ फॉर्मूला लगाएंगे एट हो गया वेट ऑफ क्या हुआ सेवन डिस्टेंस ऑफ वी क्या हुआ इनफिनिटी बहुत बढ़िया तो एट प्लस इज फिफ्टीन लेसिनिटी सो वी विल अपडेट दिस्टेंस ऑफ वी की भाई तुम्हारे yeah. पास v पहले तुम्हारे पास इन्फिनिटी था अब फिफ्टीन आ गया है रास्ता छोटा ले लो तो बोलेगा ठीक है भाई दे दो समझ गए तो yes, हम अपडेट कर देंगे एक बार बस ये तो इसलिए तो जो पहले इन्फिनिटी था अब वो हो जाएगा फिफ्टीन यहाँ पे पहले जो आठ को इन्फिनिटी मिला हुआ था अब वो हो जाएगा फिफ्टीन ठीक है अब फोर जिस जिसको इम्पैक्ट कर चुक कर सकता था वो कर चुका वो yeah, yeah. को कर सकता था फाइव को कर सकता था वो कर चुका अब हम फिर से वर्टेक्स कौन सा वर्टेक्स ढूंढेंगे एक ट्वेल्व है एट yeah. तो विजिट हो गया नाइन है और पंद्रह है बाकी तो चलो अठारह इन्फिनेटी ही है तो इनमें so, yeah. से छोटा कौन सा है बारह नौ और पंद्रह में से नौ तो फाइव नौ पंद्रह तो फाइव फाइव वर्टेक्स को ले लेंगे भाई फाइव को ले लिया जब लेते हैं तब उसे येलो से मार्क कर देते हैं कि भाई हम तुम पर आ गए और क्या करते हैं विजिटेड में भी मार्क कर देते हैं ट्रू कि हम तुम पर आ गए अब फाइव किस किस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है फोर को एट को हाँ, और सिक्स को, six yes. को yes. है ना फोर को एट को और सिक्स को फोर तो ऑलरेडी विजिटेड है विजिटेड है बच्चा अठारह आठ और छ है ना मैम yes. मैं विजिट में एट को वहां पे ट्रू कर दीजिए एट पे तो अभी हमने तो तो विजिट नहीं करा एट पे तो आए नहीं है एट किया था विजिट वो होता है जिसको हम चूज करते हैं यहाँ से अच्छा अच्छा कोई सॉरी 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 जिस पे इम्पैक्ट करते हैं अभी वो विजिटेड नहीं होता विजिटेड बाद में होता है जब हम उसको सेलेक्ट करके उससे करवाते okay. हैं किसी पे पे ठीक तो अब हमने आए हम एट को और सिक्स को हम ऑर्डर में चल लेते हैं सिक्स को पहले बना देते हैं तो डिस्टेंस ऑफ यू क्या है 2 है distance of v क्या है infinity. Infinity okay. है तो अब क्या करेंगे कर देंगे distance of v को जो पहले इन्फिनिटी था उसे बोलेंगे भाई इन्फिनिटी से छोटा मिल गया ग्यारह ले लो ठीक है वो कहेगा दे दो भाई ले, ले लेते हैं छोटा तो चाहिए ठीक है अब हम yes. क्या करेंगे एक बार हटा तो कुछ इस इनफिनिटी को लिख देंगे ग्यारह यहाँ तक किसी को डाउट है देखो no, no, बच्चे no, साथ साथ no, है? No, no, आगे बढ़ी जा रही हूँ yes, किसी को डाउट बोल देना अब हमारा यू पहले फाइव था हम किस किस को इम्पैक्ट कर सकते हैं एट सिक्स को और एट को क्या yeah, सिक्स को तो हमने कर दिया बचा एट इसको v बनाया डिस्टेंस अब u हमारा फाइव बन गया v हमारा एट बन गया तो डिस्टेंस ऑफ u क्या है नाइन डिस्टेंस वेट ऑफ u v क्या है डिस्टेंस ऑफ v क्या है यहाँ से देखो या फिर यहाँ से देखो तो नाइन प्लस सिक्स इज ऑल्सो फिफ्टीन इज फिफ्टीन लेस देन फिफ्टीन नो नो इट इज नॉट तो हम अपडेट नहीं करेंगे हम बोलेंगे भाई हमें एक और रास्ता मिला तो था पर वो भी पंद्रह ही है वो कहेगा भाई मेरा भी पहले ही पंद्रह है तू रहने दे ठीक है तो कोई अपडेशन नहीं होएगी हम बोलेंगे ठीक है भाई नहीं करना अपडेट ना करो आगे बढ़ो ठीक है आगे जब बढ़ेंगे अब हमें फिर से एक वर्टेक्स चूज करना है अब बताओ कौन सा वर्टेक्स एलिजिबल है चूज होने के लिए एक बच्चा बारह एक बच्चा ग्यारह और फिर बच्चा पंद्रह इनमें से छोटा कौन है ग्यारह हम हमारे पास यहाँ पे देख लो आप बारह पंद्रह और ग्यारह इनमें से, इन से ग्यारह छोटा है तो मतलब बचा ठीक है भाई सिक्स को चूज कर लिया हमने चूज करते ही हमने इसे येलो से मार्क करा येलो से मार्क करा और यहाँ पे कर दिया ट्रू इसकी जगह पे भी तुम पर आ गए हम है ना अब मुझे बताओ सिक्स किस किस से किस किस को डायरेक्टली इंपेक्ट कर सकता है थ्री को भी सेवन को भी बट फाइव विजिटेड है फाइव पे हम नहीं जाएंगे बचा टू ठीक है इसको बनाएंगे यू इसको बनाएंगे वी ठीक है अब थोड़ा जल्दी करते हैं डिस्टेंस ऑफ यू क्या है दिस वेट ऑफ यू वी क्या है इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन डिस्टेंस ऑफ वी क्या है डिस्टेंस ऑफ वी क्या है ट्वेल्व तो पंद्रह इज लेस देन ट्वेल्व नो नो सो वी विल नॉट नॉट अपडेट डिस्टेंस नॉट अपडेट वी विल नॉट अपडेट हम कहेंगे भाई उसके पास तो पहले ही छोटा है छोड़ दो तो, no. आगे बढ़ो आगे बढ़ गए आगे आगे बढ़ के किसको इम्पैक्ट करेंगे यू तो ही रहा अगला इम्पैक्ट वाला हमारा बन गया थ्री टू को इम्पैक्ट कर दिया आप करेंगे थ्री को ठीक है अब क्या हुआ डिस्टेंस ऑफ यू क्या है जी जी। क्या है? मुझे कहना चाह रहा है कुछ डाउट है आपको नहीं। ठीक है डिस्टेंस ऑफ वी क्या है इन्फिनिटी yeah. तो hmm. ये कितना बना पच्चीस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी तो वी विल अपडेट दिस हम कहेंगे भाई तू था अब तू पच्चीस बन जा हमें छोटा रास्ता मिल गया ठीक okay. है <laughs> हम इसको कर देंगे अपडेट इसको बाद में करते हैं अपडेट बट चलो कर लो ठीक है अब कौन है yes. yeah. अब यू हमारा फिर से ये है वी अब हमारा सेवन है हम सेवन पैक कर सकते हैं तो डिस्टेंस ऑफ यू क्या है ग्यारह इलेवन वेट ऑफ यू वी क्या है Ten. Ten. डिस्टेंस ऑफ वी क्या Infinite. है इनफिनिटी वेरी गुड तो ये बना? तो हम सेवन के इसको भी इम्पेक्ट कर देंगे अपडेट कर देंगे ठीक है हमने इसको भी ट्वेंटी वन बना दिया सेवन के यहाँ भी ट्वेंटी वन लिख दिया ठीक है अब क्या बचा अब हम बोलेंगे भाई सिक्स जिस जिसको कर सकता था इम्पैक्ट उसने कर दिया आगे बढ़ो अगला वर्टेक्स चूज करो है ना तो अब एलिजिबल कौन है है एक तो आप चार चार चीजें विजिटेड नहीं है इधर देखो टू विजिटेड नहीं है थ्री नहीं है सेवन नहीं है एट नहीं है इनमें से सबसे छोटा डिस्टेंस किसके पास है इसके पास है बारह इसके पास है पच्चीस इसके पास इक्कीस पंद्रह तो बारह सबसे छोटा हम टू टू पे आएंगे टू पर आ गए टू को बोला कि भाई इसको येलो से मार्क कर दो हमने कर दिया टू को।, को, को टू को मार्क करा यहाँ पे टू को ट्रू कर दिया अब हम टू से किस किस को इम्पेक्ट कर सकते थे को को कर सकते थे, one, को कर सकते सकते थे थे और थ्री को कर सकते थे वन तो विजिटेड है वन को भूल जाओ अब mm -hmm. कौन बचा you, eight eight और थ्री mm -hmm. तो टू को बनाएंगे यू एट को बना पहले थ्री को बना लो थ्री को बनाएंगे वी mm -hmm. ठीक है तो डिस्टेंस ऑफ यू क्या हुआ बारह वेट ऑफ वेट ऑफ यू भी क्या हुआ एवन डिस्टेंस ऑफ वी क्या हुआ ट्वेंटी फाइव तो ट्वेल्व प्लस सेवन कितना होता है इज लेस देन यस तो हम इसे अपडेट कर देंगे जब हमने इसे अपडेट करा तो अब हम एक बार मैं रब कर दूं फिर अपडेट करती हूँ इसको हमने कर दिया अपडेट इसको उन्नीस बना दिया यहाँ पे भी अपडेट कर दिया ठीक है अब क्या बचा ट्वेल्व थ्री को कर सकता था कर दिया ट्वेल्व सॉरी टू थ्री को कर सकता था कर दिया टू एट को भी कर सकते हैं अब इसको बनाते हैं ठीक है इसको बना दिया टू को यू एट को बना दिया वी तो डिस्टेंस ऑफ यू क्या हुआ कितना 12, 12, 12. 12. वेट ऑफ u v क्या हुआ टू डिस्टेंस ऑफ v क्या हुआ 15 15, 15. 12 plus 2 14 14 इज लेस देन 15 यस yes. तो yes. अब हम इसे मैच yes. करेंगे अब जो बच्चे पूछ रहे थे कि भाई हर बारी इंफिनिटी तो छोटा ही होगा हर जो बार जो भी आएगा छोटा ही होगा अब आपको समझ आ रहा है कि हमें yes. उससे भी छोटा मिल सकता है यस सर ठीक है वेरी गुड तो अब हम क्या करेंगे इसको रब कर कर मैं लिख देती हूँ उधर या आया फोर्टीन यहाँ पे जो फिफ्टीन था इसको बना दिया फोर्टीन अब टू जिस जिसको कर सकता था उसने कर दिया है ना अब क्या बचा अब बचा इनमें से मिनिमम ढूंढना इसका चौदह है इसका उन्नीस है इसका इक्कीस है भाई हम चौदह ले, 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 ले लेते हैं चौदह ले लेते हैं चौदह लिया आठ को आठ को चूज करा इसको येलो से मार्क करा और यहाँ यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिया आठ की जगह पे कि भाई तुम पर भी आ गए आठ किस किस को इम्पैक्ट कर सकता है टू और फोर कर सकता था मैं तो है तो नहीं बट टू और टू फोर फाइव तो तो पर अब किसी को नहीं कर सकता क्योंकि वो सब विजिटेड हैं छोड़ दो अगला कौन सा उन्नीस और इक्कीस उन्नीस होता है थ्री को चूज करा हमने थ्री किस किस को कर सकता था टू को और सिक्स को और सेवन को टू सेवन आया ठीक है तो अब इसको चूज करा तो इसका येलो कलर इसको करेंगे और बोलेंगे भाई इसको ट्रू भी मार्क कर दो अब इसको यू बनाया इसको वी बनाया ठीक है तो अब क्या हुआ डिस्टेंस ऑफ यू क्या है नाइनटीन वेट ऑफ यू वी, वी, वी क्या है नाइन डिस्टेंस ऑफ वी क्या है ट्वेंटी वन कितना बनाइए थर्टी एट ट्वेंटी एट सॉरी ट्वेंटी एट ठीक है तो हम नहीं करेंगे अपडेट ठीक है भाई मत करो अपडेट कुछ भी मत करो आगे बढ़ जाओ अब क्या बचा अब कौन सा वर्टेक्स बचा सेवन बचा ओनली सेवन बचा हमने सेवन को चूज कर लिया सेवन को जैसे ही चूज करा हमने कहा भाई सेवन किस किस को इंपैक्ट कर सकता है सेवन थ्री को कर सकता था सिक्स को कर सकता था पर वो ऑलरेडी विजिटेड है मतलब कुछ भी मत करो पर जब आपने इसको करा तो आप इसको ट्रू जरूर कर दो आप इसको ट्रू जरूर कर दो भाई ट्रू कर दिया हमने अब क्या करो जो हमें यहाँ डिस्टेंसेज मिल चुके थे अब उन्हें असली जगह में लिख दो मतलब फोर में लिख दो बारह में लिख, बारह को लिख दो उन्नीस को लिख दो आठ को लिख दो नौ को लिख दो ग्यारह को इक्कीस को और चौदह को तो अब क्या मिला ये जो डिस्टेंस वाला एरे निकल के आया हमारे पास ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गए फ्रॉम जीरो टू ईच एंड एवरी अदर वर्टेक्स मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो से जीरो तक का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट क्या है जीरो जीरो से वन तक का शॉर्टेस्ट क्या है फोर जीरो से टू तक का क्या है बारह से थ्री तक का उन्नीस ऐसे ऐसे, ठीक है? राइट। ये समझ आया अब आप लोगों को। मैम, yes, अच्छे से आ गया किसी बच्चे को डाउट है इसमें आधे बच्चे गुण। गुण। तो चले ही गए नो मैम डाउट नहीं अब क्या कोड देखना है इसका फटाफट दिखाई दू कोड दो मिनट ही लगेंगे मतलब पांच सात मिनट फिर आप कोड ले भी जाना घर पे और फिर देखना ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं हमने एक डाइक्स्ट्रा नाम से फंक्शन बनाया ठीक है और हमें क्या मिला हमें उसमें एक ग्राफ मिला ग्राफ कैसा मिला आपको ये एक टू डी की फॉर्म में ग्राफ मिला है मैं ग्राफ भी दिखाती हूँ ग्राफ बनाया था ये हमारा ग्राफ है इसमें जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इसके बीच में कोई एज नहीं है जीरो और जीरो के बीच में कोई एज नहीं है फोर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीरो और वन के बीच में फोर वेट है जहां पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है उसका मतलब है कि वहां पे एक एज है और जहां पे पहले हम जीरो वन लिखते थे वन मतलब एज होता था अब हम क्या लिख रहे हैं फोर एट ये ग्यारह ये क्या है कि भाई यहाँ पे वेट्स हैं ये जो हमने ऊपर ये वेट देखे है ना ये वाले वेट आठ ग्यारह चार ये वो समझ रहे हो आप ठीक yes, है तो तो ये वो है आपको एक टू डी मेट्रिक के फॉर्म में ग्राफ मिला है एन इनपुट ये आपने हमने फंक्शन को कॉल लगाया ग्राफ भेजा और जीरो एज अ सोर्स भेज दिया ठीक है yes. हाँ बोल रहे थे कोड उसमें yes. अभी भी बोल लो ठीक yes. है तो अब कॉल लग गई हमारी डाइक्स्ट्रा फंक्शन को ग्राफ में हमें ग्राफ मिल गया सोर्स में हमें जीरो मिल गया अब हमने क्या करा हमने एक एरे बनाया डिस्टेंस नाम से अब आप एरे कैसे भी बना लो यहाँ पे इन्होंने एरे ऐसे बनाया हुआ है ठीक है और एक ये एसपीटी सेट मतलब ये विजिटेड वाले एरे को नाम दिया है इन्होंने एसपीटी सेट जो हमने विजिटेड लिखा था आप इसको विजिटेड ही समझ लो कि ये विजिटेड है एक हमारा डिस्टेंस वाला एक हम... हमारा विजिटेड वाला ये डिस्टेंस वाले को हम रिटर्न करेंगे जिसके अंदर हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेज होंगे ठीक है यहाँ तक सबको समझ आया वी मतलब वर्टिसेस ना हाँ जी वी मतलब वर्टिसेस जितना साइज का वर्टिक्स मतलब वर्टिसेस जितनी है उतने साइज का एरे ठीक है अब क्या कर रहे हैं हम एक फॉर लूप चला रहे हैं जिसमें हमने मैंने जैसे आपको कहा था कि डिस्टेंसेस में पहले इन्फिनिटी डालो सब में कहा था ना डिस्टेंस एरिया में सब जगह इन्फिटी डाल लो तो नंबर डॉट मैक्स अंडर वैल्यू से हमें मिलता है yes, है ये आप लोग जानते हो यस ठीक तो एरे में सब जगह हमने इन्फिनिटी डाल दिया ये जो एसपीटी सेट है ये वही हमारा विजिटेड वाला एरे है इसके अंदर हमने सब जगह फॉल्स डाल दिया क्योंकि अभी तक हम किसी पे भी विजिट नहीं है हमने तो सब जगह हमने फॉल्स डाल दिया इतने तक किसी को डाउट है no, no, no. ठीक है अब हम क्या कह रहे हैं जो हमारा सोर्स है उसका डिस्टेंस खुद से मतलब सोर्स का सोर्स तक डिस्टेंस क्या होगा जैसे हमने कह था जीरो का जीरो से डिस्टेंस क्या होगा जीरो जीरू. तो हमने सोर्स वाले इंडेक्स पे डिस्टेंस एरे में सोर्स वाले इंडेक्स पे जीरो डाल दिया क्योंकि सोर्स का सोर्स तक डिस्टेंस तो जीरो ही होगा है ना तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस ब्रैक अंदर सोर्स इंडेक्स पर गए और वहां जीरो डाल दिया हो सकता था ना हमारा सोर्स जीरो की जगह सिक्स होता वन होता होता हाँ वो होता अपडेटेड होने के बाद जो भी उसके पास होगी वही होगा हाँ जी ठीक है तो यहाँ पे हमने सोर्स इंडेक्स पर जीरो डाल दिया क्योंकि सोर्स का खुद से खुद तक का डिस्टेंस जीरो ही होगा उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया ठीक है और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम वर्टेक्स ढूंढ के लाते हैं जिसका मिनिमम डिस्टेंस हो जैसे हम, मैं आपको यहाँ नहीं बोलती थी कि भाई एक वर्टेक्स ढूंढ के लाओ जिसका डिस्टेंस मिनिमम है और जो विजिटेड भी नहीं है हमारा काम पहले ये होता था ना उससे हमने सबसे पहले जीरो ढूंढा था क्योंकि जीरो था हमारा हमने जीरो सबसे छोटा डिस्टेंस था हमने जीरो को उठा लिया फिर उसको ट्रू मार्क करा याद है सबसे पहले मैंने बोल, मैंने हर बारी मैं आपको बारे बोलती हूँ ना कि एक वर्टेक्स ढूंढ के लाओ जिसका डिस्टेंस मिनिमम है और विजिटेड भी नहीं है ऐसे ही हमने ये, ये येलो वाले ढूंढे थे ठीक yes. है तो ये ये उस फंक्शन को कॉल कर रहा है यहाँ पे अंदर इसके अंदर फॉर लूप में कि भाई मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स ढूंढ के लाओ हम इसको भेज क्या रहे हैं हम इसको वो डिस्टेंस वाला एरे भेज

इसलिए हमने एक बाहर का ले लिया ये समझ रहे हो आप यार इस पे नहीं नहीं आई बच्चों की। ये समझ आया यस मैम ठीक है तो अब क्या कर रहे हैं हम एक फॉर लूप चला रहे हैं इसके अंदर हम v को जीरो से शुरू कर कर v तक चला रहे हैं पूरे एरे पे चलाना है हमने v प्लस प्लस उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई चेक कर लेना कि वो ऐसा वर्टेक्स ढूंढो जो कि विजिटेड भी ना हो मतलब उसके विजिटेड में फॉल्स लगा हो फॉल्स प्रेजेंट हो और उसका डिस्टेंस भी मिनिमम हो ऐसा ढूंढने को बोला ना मैंने आपको वर्टेक्स जिसका डिस्टेंस भी मिनिमम हो और वो विजिटेड भी ना हो ठीक है तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा देखो जिसके विजिटेड एरे में फॉल्स प्रेजेंट हो और जो मिनिमम से छोटा हो अगर आपको मिनिमम से छोटा मिल गया तो मिनिमम को उससे अपडेट कर दो मतलब मिनिमम को वही छोटे वाला दे दो जो आपको छोटा मिला है वो मिनिमम को दे दो और मिनिमम इंडेक्स में उसी मिनिमम वाले की इंडेक्स डाल दो तो ये फॉर लूप जब एंड होगा तो एंड में आपको मिनिमम इंडेक्स में वो वाला इंडेक्स मिल जाएगा जिसपे सबसे छोटा वाला डिस्टेंस प्रेजेंट है और वो ही इंडेक्स आपका वो वर्टेक्स होगा मैं दोबारा बताऊ ये बात है मैम जावास्क्रिप्ट में तो वो मैथ डॉट मिनिमम एक फंक्शन होता है उसको भी यूज कर सकते हैं क्या मैथ डॉट मिनिमम एक्चुअली है ना आपको सिर्फ डिस्टेंस वाले में मिनिमम ढूंढना आपको ये भी कंपेयर करना है कि कहीं वो विजिटेड ना हो मतलब आपको ये भी देखना है ना मैंने आपको जैसे बोला था कि यहाँ से मुझे मिनिमम निकाल के दे दो पर आपको ये भी मैच करना होता है कि कहीं वो विजिटेड तो नहीं है मिनिमम तो मैम वहीं पे निकाल सकते हैं ना नहीं आप मिनिमम तो निकाल लोगे फिर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो विजिटेड तो नहीं है तो आपने एक बार मैथ डॉट मिनिमम करके मिनिमम निकाल लिया फिर चेक yes, करोगे yes. फिर वो अगर विजिटेड हुआ फिर से मैथ डॉट मिनिमम फिर कैसे करोगे उसके बाद कैसे होगा मैम तो आप जगह में देखें तो हाँ मैं मैं कर वही रही हूँ बट वो कह रहे हैं कि आप मैथ मिनिमम से भी निकाल सकते हैं तो मैं बता रही हूँ कि ये फॉर लूप की क्यों जरूरत है ओके okay. यस yes, मैं ये बता रही हूं. आप करने को तो ये वाले इसमें मैथ डॉट मिनिमम कर सकते थे कि भाई इसमें से मिनिमम मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के दे दो डिस्टेंस वाले में से बट आपको फिर साइमल्टेनियसली ये भी देखना है ना कि कहीं वो विजिटेड ना हो मतलब कुछ नहीं अच्छा, है यार, तो नेक्स्ट वर्टेक्स इस... तो को ही देख रहा है कि हाँ वो इससे छोटा है या नहीं है क्या 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 मैम मिनिमम वैल्यू में हमने इन्फिनेटिव सेट किया फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ जी देन वो चेक इस इफ कंडीशन में वो ये चेक कर रहा है कि वो विजिटेड जो वर्टेक्स है वो विजिटेड नहीं होनी चाहिए एंड जो उसका डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए जो फर्स्ट पहले वाला वर्टेक्स था उससे ये तो कंडीशन है इसमें फिर मिनिमम निकालने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी ना तो आप क्या कह रहे हो क्या होना चाहिए जो इसकी जो आ, किसी ने पूछा था ना कि हाँ मैथ डॉट मिनिमम से हम निकाल सकते हैं तो वो चीज यहाँ पे नहीं कर सकते और मैं क्या बोल रही हूँ मैम आपने भी वही बोला हाँ मैं मैं समझ गया मैं मतलब थैंक हमें यू हमें मतलब ये भी चेक करना है ना कि वो विजिटेड ना हो इसलिए मतलब हम अकेला मैथ डॉट मिनिमम नहीं कर सकते तो तो इसेंशियली इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि आप बस डिस्टेंस वाले एरे में से मिनिमम ढूंढ रहे हो और फिर उसका इंडेक्स रिटर्न कर दे रहे हो और इंडेक्स क्यों रिटर्न कर रहे हो क्योंकि इंडेक्स आपका वो वर्टेक्स रिप्रेजेंट करता है फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें से मान लो मिनिमम होता किसी एक सिचुएशन में मिनिम गोगे छह रिटर्न करोगे ना क्योंकि आपको छठे वर्टेक्स पे जाना है, yes, है ना तो so, हमने मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस में वो मिनिमम इंडेक्स रिटर्न कर दिया तो अब हम फिर से यहाँ पे आए मिनिमम डिस्टेंस में क्या आ गया आपका वो वर्टेक्स आ गया जिसपे आपको जाना था जिसपे आपको वो येलो मार्क करना था ठीक है आप आए आपने विजिटेड में ट्रू मार्क कर दिया जैसे मैं आपको कहती थी कि भाई येलो करो और ट्रू मार्क कर दो है ना हमें विजिट हमें मिनिमम इंडेक्स मिल गया मिनिमम इंडेक्स से हमने वो वर्टेक्स पे चले गए हम उस वर्टेक्स से हमने विजिटेड एरे में ट्रू मार्क कर दिया यार प्लीज एक्नोलेज करो हाँ ना अगर नहीं समझा रहा तो yes. ना बोलो हाँ आ रहा है तो प्लीज मैम हाँ इसमें इंडेक्स जैसे रिटर्न करवा रहे हैं तो हाँ अगर जी आ, मतलब ये तो फिर अगर डिफरेंट डिफरेंट रैंडमली अगर व्हाट तो उस हाँ, हाँ, केस में तो काम नहीं हाँ, करेगा ये कोड हाँ फिर फिर उसके लिए आप मैप बनाइए अभी आपका जो क्वेश्चन था वो आपको मिल ऐसे रहा था ना फिर उसमें आप मैप बनाओ

को कंटीन्यूअस ना मिले बट अभी तो हमने आपको इनपुट दे ही दिया ना अभी okay. हम आ गए ना जो आपने अभी ढूंढा ये तो इस पे तो आप आ ही गए एक्चुअली जनरली क्या होता है आपको ऐसा ही इनपुट मिलता है इसलिए हम शुरू में यही सिखाते हैं वो तो आप फिर मैनिपुलेट कर ही लोगे हां जी हेलो मैम हेलो मैम डाउट था मैम जिसे हम लोग फोर्स जो अभी जो एग्जांपल समझे उसमें क्या था कि फोर्स हम लोग जीरो रहे फोर्स को हम लो कहीं बीच वाला को तो भी, तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा ये में। नहीं हो हम, हमने क्या लिखा है हम, जैसे लो सोर्स यहां पे आपको सिक्स दे रहे ठीक है मान लो यहाँ पे सिक्स ठीक है अब हम क्या कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस वाला आपने एरे बनाया है शुरू में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है मान लो सिक्स यहाँ पे कहीं आ रहा है ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स Seven, तो हमने बोला हमारा सोर्स है तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई पहले तो सारे डिस्टेंस वाले और विजिटेड वाले में विजिटेड में सारी जगह फॉल्स डाल लो डिस्टेंस वाले में सारी जगह इन्फिनिटी डाल लो फिर हम अगली लाइन क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस वाले एरे में सोर्स वाले इंडेक्स पे जीरो डाल दो सोर्स हमारा ओके सिक्स था तो हमने यहाँ जीरो डाल दिया जो कि हम पहले जीरो के यहाँ जीरो डाल रहे थे क्योंकि हमारा जीरो सोर्स था तो हम जीरो से जीरो का डिस्टेंस जीरो ही होगा जीरो से जीरो तक का डिस्टेंस जीरो होगा ऐसे ही छे तक का छे से छ तक का डिस्टेंस जीरो होगा छ से मैम छ ओके तक का डिस्टेंस जीरो होगा ना तो हमने तो इसलिए वो चीज हैंडल्ड है तो तो अब आपने ये देख लिया मैंने आपको बोला कि आपने मिनिमम वर्टेक्स निकाली आपने वो वर्टेक्स निकाल ली जिसका डिस्टेंस मिनिमम था उसके बाद आपने विजिटेड में ट्रू मार्क कर दिया अब आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है ठीक है अब वो फॉर्मूला आपको किस किस पे अप्लाई करना है जो जो आपके एडज नेबर्स है और वो विजिट भी ना हुए हो ठीक है आपको आपके एडजस्टेंट नेबर्स अब कैसे पता आप क्या करोगे आप एक फॉर लूप लगा लोगे एक सपोजिशन करके कि भाई सारे ही मेरे एडस नेबर्स हैं मैं अंदर जाके चेक कर लूंगी मैं पहले एक फॉर लूप चला लूंगी और फिर अंदर जाके क्या क्या चेक करूंगी कि भाई मैंने उस वर्टेक्स पे जाना है मैं उस वर्टेक्स पे इम्पैक्ट करूंगी उस वर्टेक्स को अपना वी बनाऊंगी जो कि विजिट भी ना हुआ हो जिसका जिस जिससे जिस मेरी एक एज भी हो ये ना हो कि भाई मैं जीरो से अब मैं जीरो से टू पे इम्पैक्ट तो नहीं कर सकती ना मैं जीरो से एट पे इम्पैक्ट नहीं कर सकती नहीं। तो तो ये कैसे ग्राफ में कैसे प्रेजेंट होगा जब जीरो से आठ तक कोई एज ही नहीं है तो हमारे वो टू मैट्रिक्स में जीरो और आठ वाली पोजीशन पे तो जीरो प्रेजेंट होगा ना यहाँ पे जीरो और आठ वाली पोजीशन पे तो जीरो प्रेजेंट होगा ना हम्म समझ रहे हो आप जिसके बीच में कोई एज नहीं होगी वहां पे जीरो लिखा होगा तो इन्होंने क्या चेक लगा दिया कि भाई ग्राफ में देख लो कि वो नॉट इक्वल टू विजिटेड भी ना हो वर्टेक्स यू और वी के बीच में हमारी एक एज भी हो वो कैसे चेक होएगी ग्राफ नॉट इक्वल टू जीरो और क्या हो उसका डिस्टेंस नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी भी हो मतलब जो डिस्टेंस ऑफ यू है कि ये ना हो कि भाई जहां से हम शुरू कर रहे हैं मान लो जो यू हम शुरू कर रहे हैं वो खुद ही इनफिनिटी हो उसका खुद तो डिस्टेंस होना ही चाहिए वैसे तो वो चीज वैसे भी कंडीशन में सेटिस्फाई होगी क्योंकि आप यू ढूंढ के ही मिनिमम ला रहे हो पर बाय चांस कोई ऐसा एक केस आ जाए जिसमें यू ही इन्फिनिटी है डिस्टेंस ऑफ यू ही इन्फिनिटी है तो आगे कैसे ढूंढोगे ठीक है ये समझ आया यस yes, मैम ठीक है तो हमने ये भी चेक कर लिया कि डिस्टेंस ऑफ यू कहीं इन्फिनिटी ना हो बाकी तो फिर हमारी वही वाली कंडीशन है जो मैंने आपको पहले ऊपर बताई है कि अगर ऐसा है तो डिस्टेंस ऑफ वी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यू वी वेट कैसे निकलेगा ग्राफ यू वी करके क्योंकि यहाँ पे आपको ये वेट्स लिखे हुए हैं ये जैसे एट है ये वेट लिखा हुआ है ये इलेवन वेट लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद आपने अपडेट कर दिया ये चीज आपने हर वर्टेक्स के लिए कर ली जो वर्टेक्सेज आपके नेबर्स नहीं होंगे वो इन कंडीशंस को फॉल्स कर देंगे वो यहाँ पे जीरो देंगे वो नॉट इक्वल टू जीरो होएगा ही नहीं उसके अंदर हम इफ में जाएंगे ही नहीं समझ रहे हो यस मैम सबको समझ आया ये एक बार दोबारा देख लो कंडीशन अगर यहाँ कोई कंडीशन में इशू हो किसी को कोई डाउट है इसमें एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज शर्माओ ना यार देखो आई एम आई एम रेडी टू रिपीट अब इतना टाइम लगाया है तो अब ऐसा होना चाहिए कि टाइम भी लगाएं और समझ भी आए नो एमट्स क्लियर पॉलिटिकल पार्ट को तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया बस ओ, ये कोड में दिक्कत आती है मैम कोड सर अभी जो कोड समझाया इसमें दिक्कत आ रही है आपको यहाँ तो आप मैं देते तो हो बट हम खुद तो, तो करते तो जाएंगे ना तो हमसे नहीं होगा ये यार वो पता क्यों है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे नहीं। आप चाह रहे हो कि पहले दिन ही आप कोड उठाओ और आप खुद ही कोड लिख दो हम नहीं कर पाते कंडीशन का बता दो जो इफ कंडीशन में लिखा हुआ है ना हाँ वो एक वो एक बार समझा दो बस हाँ हाँ जी तो आप मुझे बताओ कि मैम कैन यू शेयर द कोड यस आई विल शेयर द कोड आप मुझे बताओ जब हम जीरो पे थे शुरू में तो आप जीरो से किस किस पे इम्पैक्ट कर सकते थे वन वन और और फोर फोर पे पे अब आपको ये कोड में कैसे पता चलेगा uh, और आप मुझे एक बात दोबारा बताओ जब आप जीरो से वन और फोर पे आपने इम्पैक्ट कर दिया फिर आपने वन का मिनिमम चूज कर आ गए फिर आप वन से किस किस पे इम्पेक्ट कर सकते हो एक तो वन खुद रहेगा फोर और टू पे वन फोर टू तो खुद, खुद पे क्या इम्पैक्ट करेगा नहीं, जीरो पे 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 पर हम कह रहे हैं कि विजिट हो चुका है तो जीरो पे नहीं करोगे ना फिर नहीं फिर फोर, सिर्फ फोर और टू पे करोगे यस तो अब यही कंडीशन लग रही है कि वन तो यू तो हमें पता लग गया कि हमारा यू वन है अब हमने वी ढूंढना है कि वी हमें कौन सा लेना है उसके लिए हमने क्या करा पहले हमने एक फॉर लूप चला दिया सारे ही वी ले लो सारे v पे जाके अंदर देख लेते हैं कि क्या वो सही v ले रहे हैं हम पहले सारों पे ये लगा लो अंदर देख लेंगे कि क्या वो v हमारा सही है जो हम ले रहे हैं ठीक है सही इन द सेंस के मतलब पहले थी? जा चुके हैं या नहीं पहले जा चुके मतलब जैसे 4 जैसे हम 4 पे अभी खड़े हैं मैं कह रही हूँ कि आप सब पे जाके देखो और अपना चेक लगाओ मतलब जीरो वन टू फाइव सिक्स सेवन एट सब पे जाके देखो और अपना चेक लगाओ कि क्या ये डायरेक्टली इम्पेक्ट कर सकता है अब जैसे अगर फोर थ्री पे जाएगा तो डायरेक्टली इम्पेक्ट no. नहीं कर सकता ना फोर सेवन पे जाएगा नहीं कर सकता फोर सिक्स hmm. पे नहीं कर सकता वो फोर सिर्फ फाइव एट वन और जीरो पे कर सकता है वो भी उन पे जिनपे वो विजिट नहीं हुआ right, huh. तो अब यही इफ कंडीशन है जो पहले बाहर वाला फॉर है वो इसके लिए कि हमने सब पे जाना है उसके लिए जीरो वी हमने जीरो से शुरू करा वी तक गए मतलब हम सारे वर्टिसेस विजिट करना चाह रहे हैं ठीके, फिर ठीके. हम अंदर क्या कह रहे हैं कि जो ये हमारा एस सेट है ये हमारा विजिटेड एरे है, है। ये हम कह रहे हैं कि भाई ये देख लेना ये कहीं मतलब ये फॉल्स हो ये विजिटेड ना हो नॉट नॉट एस सेट का क्या मतलब होता है पहले मुझे बताओ एसपी सेट का क्या मतलब होगा अगर मैं सिंपल लिख दू एसपीटी सेट वी विजिटेड ये मतलब ट्रू है ये

अब हम क्या कह रहे हैं कि ग्राफ यू वी नॉट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब इक्वल टू का क्या मतलब होगा अगर ग्राफ यू और वी की वैल्यू जीरो के इक्वल हो गई मतलब कि यू और वी के बीच में कोई एज नहीं है ओके ओके जैसे जैसे फोर और थ्री के बीच में कोई एज नहीं है तो इसके लिए इसके लिए इसके लिए ग्राफ जीरो होगा मतलब, हाँ. ये, zero होगा. Mm -hmm. ये zero होगा ना yes. तो हम कह रहे हैं भाई ये जीरो ना हो मतलब कोई प्रेजेंट हो चीज कोई वैल्यू हाँ. प्रेजेंट हो तभी हम इस वी पे जाएंगे क्योंकि एज होनी चाहिए तो ये भी कंडीशन समझ आ गई आपको yes. आ गई समझ ठीक है अब ये वाली जो कंडीशन है इसका क्या मतलब है वैसे ही है वैसे ये कंडीशन कंडीशन कभी आएगी नहीं फिर भी हमने हैंडल करने के लिए लिखी है कि डिस्टेंस ऑफ यू नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब जिससे हम शुरू कर रहे हैं जैसे हम वन से इम्पैक्ट शुरू कर रहे हैं कि वन किस किस पे डालेगा जीरो पे फोर पे एट पे टू पे पर वन ये देख लेना वन खुद कहीं इंफिनिटी ना हो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा किसी पे जब वो खुद ही इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग क्या उससे वो वो तो कभी ट्रू ही नहीं हो सकता ना इन्फिनिटी तो कभी किसी से छोटा हो नहीं सकता आगे जाके हम क्या कर रहे हैं आगे जाके हम डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ 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 प्लस वेट लेस देन कर रहे हैं ना v. Yes, तो खुद ही यू यू का डिस्टेंस खुद ही इन्फिनिटी नहीं ना होना चाहिए तो ये वो कंडीशन है कि नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी समझ आई ये कंडीशन सबको आई Yes, ये देखो डर के मत बोलना नहीं आई बता दो मैं अभी फिर बता देती हूं आ गई ठीक है ये तो आपको समझ आ ही गया था डिस्टेंस ऑफ यू प्लस ग्राफ यू वी ये ये तो ये तो हमने ऊपर ही हाँ, देखा वो तो कंडीशन चेक कर लेते हैं ग्राफ यू वी क्या है हमारा वेट है वेट हम, हमने यहाँ लिखे हुए हैं एट इलेवन फोर सेवन ये वाले तो हमें यहाँ से मिल जाएगा वेट तो ये तो हमने वही कंडीशन लिखी है अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हम डिस्टेंस ऑफ वी को अपडेट कर देंगे ठीक है ये चीज हम सारे वर्टिसेस पे करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता हम अंदर जाके चेक कर रहे हैं ठीक है आप लोग समझ गए यस यस मैम एक सेकेंड हाँ जी तो आ, ये आपको समझ आया आगे मतलब मैं इसका आपको भेज देती हूँ अब आपको इसके बाद इसको प्रिंट करना है yes, जो मर्जी करा yes. लो प्रिंट प्रिंट तो जैसे एक टू डी hey, प्रिंट कराते हैं वैसे ही है जैसे आप हेलो मैम हाँ जी हाँ जी हेलो हाँ okay. मैम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा मैम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो आप देखो मुझे बताओ एक आपका बाहर लूप चल रहा है एक आपका फिर अंदर भी लूप चल रहा है यस yes, मैम तो ऑलमोस्ट बिगो ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगी okay. हालांकि ये वी माइनस वन तक चल रहा है बट बिगो ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि आप दो बार लूप लगा रहे हो okay. Yeah. अब जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये नेगेटिव वेटेड ग्राफ पे नहीं चलता मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसको फोर कर दू माइनस इलेवन कर दू तो मे बी है कि ये चल जे मे बी या ये ना चले चल जाए मतलब ये या तो हमें सही रास्ता दे भी सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता तो हम नेगेटिव के लिए नहीं करते तो आपका आज का काम क्या है कि आपको इसको ध्यान से समझना है इसका गहन मनन करना है अपने अंदर की हाँ मुझे समझ आ गया ये कोड है आपको चला के देखने हैं और उसके बाद आपने ये देखना है कि ठीक है ये नेगेटिव पे नहीं करता तो नेगेटिव पे क्या एल्गोडिजम चलती है ठीक है तो अब अब बस करे मैं भी थक गई हूँ आप well. लोगों को समझ आ गया है थैंक यू वेरी मच फॉर योर सेशन थैंक यू सर थैंक यू सो मच सो कैन वी अब आई मीन कैन वी एंड दिस अटेंडेंस नहीं वो मैं भी तो भाई अटेंडेंस का मेरे...